बहाना कर दूं, सोचता हूं कि बहाना कर दूं, जाने वालों को रवाना कर दूं, सोचता हूं कि बहाना कर दूं, जाने वालों को रवाना कर दूं, मैं किसी को भी नजर ना आऊं, आंचल में श्यामा के छुप जाऊं, मैं किसी को भी नजर ना आऊं, आंचल में श्यामा के छुप जाऊं, जिंदगी भर तो ठहर जाने दो, जिंदगी भर तो ठहर जाने दो, मुझे परेशान में मर 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 जाने दो। राधे रानी सरकार की। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, अपने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शासनों में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी भूतगणादिसेवितम्।
कपेत जंबो फलचारु वचनो उमासुतं शोकविनाशकारिकम् श्रीनमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं विघ्नेश्वरा हृदय सुप्रिया लंबोदराय सकलाय जगदुता नागानिनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते यं प्रवजन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यं द्वीपायनो विरह कातुरयाजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वेऽभिनन्दं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बोलिए भागवत भगवान की मनसो जात शचोः सूर्यो अजायत श्रुत्रा द्वाविश व्राणश मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पलाभले तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती है तार दी पापियों को पाप से है तारती श्री भाग
जीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला सुख करनी ये एक हरणी सुख करनी ये एक हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अपने माता पिताओं की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश जन्मा श
श्रयतो वन्वयादितरतः हर्तश्वमेघेश्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवयो मुह्यं प्रियसु सर्गो मृषा धाम्नाशेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि तमादिदेवं शेष संसार समुद्र से तुम नमामहे भागवतम पुराणम देयम सदा परिववन्नमीष्टदो तीर्थास्पदं शिववीरञ्चुनितं शरण्यं भ्रक्ताति प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः जय जय श्री राधा रमण किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर मैं आयो धार में चिलगाए देव पार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय सियावर चंद्र भगवान की जय दीन दयाल की जय सतगुरु दीन दयाल की जय आइए
अगाध समुद्र श्रीमद् भागवत महापुराण का महाकवि कालिदास जी अपनी रचना में लिखते हैं, कम सूर्य प्रभो वंश कम चाल विषयामती तितीर्षु दुष्तरम मोहाड पेनास्मी सागरम। कहा चंद्र और सूर्य वंश की पावन कथा समुद्र, और कहा मेरी छुट्टी बुद्धि अल्प बुद्धि अनेक विषयों से लिप्त बुद्धि। जैसे कोई छोटी पतवार से भवसागर से पार नहीं हो सकता, ऐसे ही शायद सूर्य चंद्र वंश का वर्णन करने में मैं समर्थ ना हूं। तो कल के प्रसंग में शिव जी का चरित सुन रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे आज। और उससे पहले आइए हृदय रूपी आंगन को परमात्मा के पवित्र नाम से मार्जित करते हैं, वही गुनगुनाते हैं जो नित्य गुनगुनाते हैं हम लोग बड़े श्रद्धा से, अंतर मन होकर के हृदय के सभी मलों को दूर करिए और पवित्र पावन नित्य का वही भजन। अश्रुतम केशवम कृष्णदामोदरम राघवनारायणम जानकी वल्लभम। अश्रुतम केशवम कृष्णदामोदरम राघवनारायणम जानकी वल्लभम। अश्रुतम केशवम कृष्णदामोदर राम नारायण जानकी वल्लभम। कृष्ण दामोदर राम नारायण
साक्षात परमेश्वर का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मुरली मनोहर घनश्याम तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी श्री कृष्ण देव भगवान के श्री चरणों में कोट कोट वंदन। श्री सुखदेव जी महाराज मंच पर आसीन, संतगण, आचार्यगण, ब्राह्मण देवता, संगीतज्ञ उपस्थित, समस्त माताएं बहनें परिषद के रूप में विराजमान, श्री मंगतराम जी गर्ग, धर्मपत्नी श्रीमती सीतारानी, छोटे भ्राता आज बड़ी अनुग्रह पे पधारे, श्री बिल्लू भाई साहब, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी जी, वकील साहब एवं समस्त परिवार, परीक्षित परिवार, सभी के हृदय में बैठे हुए परमेश्वर को कोट कोट नमन करता हूं। और कल की कथा भगवान शंकर की कथा चल रही थी, शिव जी महाराज की कथा। शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरे। भगवान नारायण कहते हैं जब तक शंकर भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। रामायण में लिखते हैं कि प्रथम ही मैं सुनि हरिचरित बूझा मरम तुमार हो सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। रामायण में भी पहले शंकर भगवान की कथा आती है। क्यों आती है कि जब तक शंकर भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी तब तक नारायण की भक्ति मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से बड़े अफसर के पास कागज जाता है तो पहले छोटे अफसरों का भी साइन होता है, ऐसे ही शंकर भगवान की साइन जब तक नहीं होंगे तब तक नारायण की अदालत में वो कागज तुम्हारा पेश होने वाला नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भी शिव चरित्र, रामचरित मानस में भी शिव चरित्र, और भी जो कोई ग्रंथ आता है, जो कोई कथा आती है, जहां भी, सब में भगवान शिव का चरित्र प्रथम होता है,
बाद में नारायण की चरित्र आता है। तो कल हम बता रहे थे मैया सती कैलाश पर भगवान शंकर के साथ अकेली रह रही हैं। शंकर भगवान ने भी 88,000 वर्ष के लिए अखंड समाधि लगा ली। मैया सती ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे परित्याग कर दिया, त्याग दिया मुझे। करें क्या, दोष तो अपना, गलती अपनी कि शंकर भगवान की बात नहीं मानी। अब भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, श्रीमद् भागवत में तो एक बात और आती है। क्या आती है कि मैया ने जब शादी की थी सती ने भगवान शंकर के साथ और कहा प्रभु मैं आज से शिवानी बन गई। क्या बन गई? शिवानी। लेकिन जिस दिन आप मुझे दाक्षायणी कहेंगे यानी दक्ष की पुत्री कहेंगे मैं उसी दिन अपना शरीर त्याग दूंगा। अब देखो क्या होता है। अखंड समाधि में भोले बाबा बैठे कैलाश पर, मैया पर्वती अकेली, सती अकेली रह रही है। बड़ा मुश्किल होता है जब कोई बोलने वाला नहीं हो, कोई बातें करने वाला नहीं हो। पति की अखंड समाधि है वो भी नाराज होकर के, खुशी खुशी हो तो बात अलग है। आखिरकार क्या होता है कि मैया प्रार्थना करती है भगवान से कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद रस गावा, अगर आपका साचा ही नाम दीन दयाल है तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए भगवान। क्या प्रार्थना है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि छूटे देह देह ये मोरी। अब शंकर भगवान के विमुख रह करके जीना नहीं चाहती भगवान। सतीव सही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरमुन कोई जान कछु और जुग समीवसराय। कैलाश पर्वत पर रहती है, बड़ा सोच है, कोई जानता नहीं बात क्या है क्योंकि पति पत्नी की बात है। मरमुन कोई जान कछु जुग समीवसराय, एक दिन कैसे निकलता है मानो एक युग के बराबर। होता क्या है कि बीते सम्मत साहस सपासी, बीते सम्मत साहस सपासी, तजी समाधि सांपो अभिनासी, तजी समाधि सांपो। सत्तासी हजार वर्ष बीत गए, शंकर भगवान की समाधि टूटी, राम नाम से विश्वरूप सुमिरन लागे, जाने उसती जगत पद जागे, जाई शंभु पद बंधन कीना। और
शंकर के चरणों में वंदन करके बामंगन में बैठने लगी। भगवान ने आसन उठाया, सामने रख दिया, यहां पे बैठो माताजी। अब पत्नी को कोई माताजी कहे भाई कितना दुख होगा, पर क्या करे, गलती अपनी है। उसी समय क्या होता है, सती ने देखा आकाश में कुछ विमान जा रहे हैं। सती ने पूछा, भगवान ये विमान कहां जा रहे हैं? भोले वाला कहने लगे, तुम्हारे पिता के घर में एक अफसर है, सुंदर कोई यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में ये विमान जा रहे हैं। देवी जी, मेरे पिता के यहां उत्सव है, यहां आपके पिता के यहां उत्सव है, तो प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलें। शंकर भगवान कहते हैं, तुम बात तो ठीक कहती हो, लेकिन ये अनुचित नहीं, नेवत पठावा, हमारे लिए न्योता नहीं दिया है। वैसे पिताजी के घर में, मंदिर में, भगवान के दरबार में, गुरु के घर में बिना बुलाए चले जाओ तो कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन तदपि विरोध मानी जाई तहां गए कल्याण हो। फिर भी यहां कोई विरोध करे तो गए तो गुरु घर में शांति लेने के लिए, लेकिन अशांति ले आए। मंदिर में गए तो शांति लेने के लिए, लेकिन अशांति ले आए। फिर जाने का लाभ क्या है, फायदा क्या है? शंकर भगवान ने बड़ा समझाया, लेकिन सती जिद कर बैठी। भगवान शंकर ने छोटे से थोड़े से गण भेजे और कहा, चली जाओ, नहीं मान रही हो, हे दाक्षायणी चली जाओ, अगर मान नहीं रही है तो। अब यहीं से आग लग गई कि आज तो प्रभु ने मुझे दाक्षायणी कह के संबोधित कर ही दिया, तो प्राण त्यागने का भी अब कोई मौका मिले। एक बार बोलो, शंकर भगवान की जय। चली गई पिता के घर में, किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने मान नहीं किया, किसी ने सम्मान नहीं किया। सागर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, एक प्रेम से मिली तो केवल मां मिली, क्योंकि मां के लिए पुत्री के हृदय में जो प्रेम होता है अन्य किसी के में नहीं होता। बहनों ने तो मजाक उड़ाया, तेरा भिखारी कहां है, वो भस्म धारण करने वाला कहां है, वो कुरूप धारण करने वाला कहां है। सबकी वाचनों को जहर की तरह पी गई, सोचने लगी चलो यज्ञ में चलते हैं, जहां पर मेरे पति का स्थान होगा और वहां पर मैं बैठ करके यज्ञशाला में यज्ञ का भाग भोग करके चली जाऊंगी। लेकिन यज्ञशाला में जब गई तो क्या देखती हैं कि कतौन दी के संभ कर भागा। हम लोग जब कोई भी यज्ञ आदि कर्म करते हैं, सभी देवताओं को बराबर स्थान देते हैं, यहां भी जो पूजा नित्य होती है 2 घंटे लगाते हैं, कोई देवता ऐसा नहीं जिसको छोड़ दे। लेकिन दक्ष प्रजापति ने अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण भगवान शंकर का स्थान ही यज्ञ में नहीं दिया। महाराज परीक्षित पूछते, प्रभु ईर्ष्या काहे बात की थी, वो दामाद थे और वो उनके ससुर जी थे, फिर ईर्ष्या किस बात की थी, काहे बात की लड़ाई थी। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, लड़ाई थी अहंकार की। दक्ष को एक बार ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिया। प्रजापति का जो पद होता है वो साक्षात ब्रह्मा के समान ही होता है। जब बड़ा अधिकार दक्ष को मिला तो अहंकार आ गया,
एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक मीटिंग बुलाई सभी देवताओं की। सभी देवता पधारे, उस मीटिंग में सबके बाद में आए दक्ष प्रजापति। सभी लोग दक्ष प्रजापति आए, खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा की ताली लगी थी इसलिए पता ही नहीं लगा कब कौन आया है। भोले बाबा बैठे ही रह गए। इस बात पर दक्ष ने अपना अपमान समझ लिया। बड़े लोग होते हैं वो ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि किसने झुक करके प्रणाम किया, किसने पैर छुए, नहीं देखते, लेकिन ये जरूर देखते हैं कि किसने प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने देखा किसने प्रणाम नहीं किया है, तो देखा कि मेरे ही दामा शिव ने प्रणाम नहीं किया। खड़े हो गए, कहने लगे ये देखो ये बिल्ली की मुंह वाला, ये बंदर के से मुंह वाला, मेरी पुत्री मृगनेनी, मैंने इसके साथ ऋषियों के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह अपनी पुत्री का कर दिया, लेकिन ये तो मतवाला भांग पी करके मस्त रहता, इसको तो कोई भाव ही नहीं है। बड़े खोटे वचन बोले, भोले बाबा चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिफल नहीं दिया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। लेकिन नंदी से नहीं रहा गया, नंदी खड़े हो गए, नंदी भी बोलने लग गए। ब्रह्मा जी ने दोनों को चुप कराया, आपस में श्राप का भी आदान प्रदान कर दिया। वहीं से बैर मानते हुए आज शंकर भगवान को अपनी यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने नहीं बुलाया। अब मैया सती ने जब देखा कि कतौ नदी की सम्भ कर भागा, शंकर भगवान का कहीं स्थान ही नहीं है, कहीं उनका पूजन की जगह ही नहीं है, बड़ा भारी उनको क्रोध आया। एक बात बताए देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कई कई बातें ऐसी होती हैं बड़े काम की हो जाती हैं। कहीं और जगह क्रोध करो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन यज्ञशाला में क्रोध करो तो वो क्रोध जैसे यज्ञशाला में एक रुपया दान दो 100 रुपए का फल मिलता है, ऐसे ही एक गलती करो, एक क्रोध करो, एक कोई भी बुरा काम करो, उसका 100 गुना फल मिलता है। अन्य क्षेत्रे कृते पापम, कहीं और जगह पाप किया है तो हरि नामेन विनश्यति, अन्य क्षेत्रे कृते पापम हरि नामेन विनश्यति, कहीं और पाप किया है, परमात्मा का नाम ले लिया, खत्म, खेल बराबर हो गया। लेकिन तीर्थ क्षेत्र यज्ञ क्षेत्र कृते पाप बद्रलेपो भविष्यति, जेकर तीर्थ में पाप किया है, जेकर यज्ञशाला में पाप किया है, तो उसके ऊपर वज्र का लेप हो जाता है, किसी पुण्य से वो पाप खत्म नहीं होता। आज यज्ञशाला में क्रोध आया मैया सती को, और क्रोध में देखा कि मेरे पति का हिस्सा नहीं है, अपने पिता को फटकारते हुए, ऋषि मुनियों को फटकारते हुए, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल दाज देऊ सबकाऊ भली भांत पछताव पिताऊ, आज सबको फल मिलेगा, कोई नहीं वंचित रहेगा, पिता को भी फल मिलेगा। शंकर भगवान जिनकी जगत वंदना करता है, आज मेरे मंदमती पिता ने उनकी निंदा की है, सबको फल मिलेगा, ऐसे कह करके योग अग्नि में शरीर को दग्ध कर दिया। शंकर भगवान के गरणों ने देखा माता की रक्षा करने के लिए माए, माता तो जल गई, शरीर परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ विध्वंस करना शुरू कर दिया। भृगु जी ने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन पर मारी, जमीन पर मारते ही कृत्या प्रकट हुई, कृत्या ने खदेड़ दिया भगवान शंकर के गणों को। शंकर भगवान के गणों ने जाकर के कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को सब बात बता दी, महाराज ऐसा हो गया। भगवान शंकर ने कहा जटा का जवाब हम भी जटा से ही देंगे,
जटा उखाड़ करके भृगु ऋषि ने मेरे शिष्यों को वहां से भगाया तो मैं भी जटा से ही जवाब दूंगा। उन्होंने ही अपनी एक जटा उखाड़ी जमीन पर मारी और वीरभद्र नाम का एक योद्धा प्रकट हो गया। वीरभद्र ने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा, यज्ञ को जो है दक्ष को जैसा उसने कर्म किया उसका फल दो जाकर। वीरभद्र वहां से चल दिया। वहां जो ऋषि मुनि थे सबको पता लग गया ऐसा होने वाला है। दधीच ने पहले ही क्लियर कर दिया ऐसा होगा, भैया जो दक्ष के पक्ष में है रह जाए, बेइज्जती जिसने करानी है, जिसने अपनी इज्जत बचानी है वो यहां से निकल जाए, क्योंकि रूल है, नियम है कि भगवान की निंदा कहीं हो रही हो तो या तो निंदा करने वाले की जीव काट दो, काटो तास जीव जो बसाई और श्रवण मूंद नित चलो पराई, नहीं तो कान बंद करके वहां से चले जाओ जहां भगवान की निंदा हो रही है, जहां हरि की निंदा हो रही है, जहां हर की निंदा हो रही है, जहां संतों की निंदा हो रही है, जहां ब्राह्मणों की निंदा हो रही है, वहां से निकल जाओ। कमजोर है, ताकत है तो जीव काट दो निंदा करने वाले की। दधीच ने घोषणा कर दी, सब जाने लगे, भगवान नारायण भी जाने लगे, लेकिन दक्ष ने पैर पकड़ लिए। कहा, प्रभु ये यज्ञ मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए किया है और आप ही मुझे अमरधार में छोड़ के जा रहे हो, हे दयालु मेरा क्या बनेगा। इतने में तो वीरभद्र आ गया। सबसे पहले नारायण को ही ललकारा, हे शिवद्रोही आज पता लगेगा तुझे, मेरे से युद्ध कर। भगवान कहते हैं जो मर्जी कह ले, शिवद्रोही मत कह, क्योंकि मैंने कभी शिव जी का द्रोह नहीं किया। नारायण को भी परास्त करके, सबको परास्त करके अकेले वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष का गला ही काट दिया। जिस जिसने जो जो प्रक्रिया की सबको वैसा ही फल दिया। दक्ष विध्वंस हो गई, यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष खत्म हो गया, मृत्यु हो गई दक्ष की। पड़ा है सर है नहीं, धड़ पड़ा। शंकर भगवान को पता लगा। भगवान शंकर यज्ञशाला में आए, मैया सती के शरीर को कांख में लगा के घूम रहे हैं बहुत दिन तक। नारायण ने चक्र से फिर शरीर को काटा और जहां जहां अंग गिरे वहां वहां माता की प्रतिष्ठता, जहां मत्था टेकने जाते हैं ज्वाला जी जाते हैं, जहां जहां जाते हैं माता की जो शक्ति पीठ बने उन अंगों से। देवताओं ने प्रार्थना की, भोले बाबा को प्रभु यज्ञ किसी का विध्वंस हो जाए अच्छी बात नहीं है, दक्ष ने तो जो किया सो किया, लेकिन आप तो दयालु हो भगवान, कृपा करो। भगवान ने जाकर के यज्ञ को देखा, वहां दक्ष प्रजापति का सर पड़ा था, धड़ नहीं था, सर नहीं था, धड़ तो था। तुरंत ही बकरे का सर मंगाया, काट करके लगाया। दक्ष प्रजापति ने फिर भगवान की स्तुति की, यज्ञ परिपूर्ण कराया। उसी समय तारक नाम का एक राक्षस हुआ, उसने भगवान से वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु हो, लेकिन शंकर भगवान के तो घरवाली ही नहीं, पुत्र कहां से है। निर्भीक होकर के वो पाप करने लगे। इधर सती ने मरते हुए भगवान से वरदान मांगा, सती मरत हरि सन भैरो माता, सती मरत जन्म जन्म की विपदा धारण करूं, मैं तुम्हारे ही चरणों की सेविका बनूं।
तेहि कारण हिमि गिर गए जाई जन्मी पार्वती तन पाई। इसी कारण से हिमाचल के जा यहां जाकर के पार्वती का शरीर पाकर के जन्म लिया। नारद जी पधारे, नारद जी ने हाथ देखा, हस्तरेखा देकर के कहा कि इसका विवाह तो ऐसे पुरुष के साथ में होगा जो निर्धन होगा, अज्ञेय होगा, भिखारी होगा, दिगंबर रहने वाला होगा। हिमाचल राजा है, उनको बड़ी चिंता हो गई। मैना ने कहा जो ये कह रहे हैं वो सत्य है कि बिल्कुल सत्य? नारद का वचन तो असत्य हो ही नहीं सकता। तो फिर मेरी पुत्री का विवाह ऐसे आदमी के साथ कैसे होगा? इनसे कोई उपाय तो पूछो। उपाय पूछा गया। नारद जी ने कहा भाई जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन उपाय ये है कि जो विवाह शंकर सन होई तो दो सौ गुण ही कहे सब कोई। अब गुण भी गुण में हो जाएंगे जो भोले बाबा के साथ विवाह हो गया था, क्योंकि भानु कृषानु सकल रस खाई। अच्छी जगह पर भी पड़ती है, बुरी जगह पर भी पड़ती है। आग में मुर्दे भी जलते हैं, आग में रोटी भी पकती है, आग में हवन भी करते हैं, और भी बहुत सारे काम अग्नि से होते हैं, लेकिन अग्नि को सूर्य को कोई दोषी नहीं ठहराता। गंगा जी में गंदे नाले भी मिलते हैं, गंगा जी में पवित्र नदियां भी मिलती हैं, लेकिन सुरसरी को कोई अपनीत नहीं कहता। ऐसे ही अगर भगवान शंकर के साथ विवाह हो जाए तो अवगुण भी गुण हो जाएंगे। लेकिन दुरादर्श पर आई महेश, भगवान तो दुरादर्श है, पर आशुतोष पुन किए कलेश। अगर कुछ करें तो भगवान आशुतोष भी हैं। आशुतोष, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले। अगर सबसे ज्यादा जल्दी खुश होने वाला कोई देवता है तो वो है भोले बाबा। एक गड़वी जल चढ़ा दो खुश हो, बेलपत्र चढ़ा दो खुश हो गए, जिसको बकरियां भी नहीं खाती है वो भी चढ़ा दो भांग दतूरा तो उससे भी खुश हो गए। ऐसा सुंदर देवता, ऐसा भोला देवता कोई होगा और दूसरा? इसलिए नारद जी कहते हैं आशुतोष पुन की कलेश। कलेश क्या? कलेश जी कि जो तप करही कुमार तुम्हारी, जो तप करही कुमार कन्या कैसे तप करे। बड़े माता पिता व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए, लेकिन रास्ता कोई और नहीं। इसलिए तप के लिए, उमा के लिए, अब माता सोच रही है कैसे कहूं, लेकिन मैया ने पहले ही रास्ता क्लियर कर दिया। अपनी मां से कहा मां मैंने रात को एक सपना देखा है। सपने में क्या देखा है बेटी? कि सपने में देखा है कि सुंदर गोरे किसी ऋषि मुनि ने मुझे उपदेश दिया है कि बेटी तप करो, सो मैं तप करने जाना चाहती हूं। मैया मैना सोचने लगी बेटी ने तो मेरी मन की ही बात कह दी, तप करने गई, भोले बाबा का विवाह हो गया मैया पार्वती के साथ में, और ये बात तो सब जानते ही हैं सब लोग। यह इतिहास सकल जग जाना, ताते में संक्षेप बखाना, थोड़े में वर्णन कर दिया। तारक नाम का
जो राक्षस था उसको स्वामी कार्तिकेय ने वध कर दिया। अब आगे की कथा का वर्णन करते हैं। श्री मैत्रेय जी विदुर जी महाराज को ये कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को यही कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और वही पावन कथा ये पवित्र श्री राधा कृष्ण धाम में हम आपको श्रवण करा रहे हैं। तो षष्ठी जब आगे को बड़ी मनु महाराज का कल वृतांत मैंने बताया। मनु महाराज की तीन पुत्रियों की कथा कल मैंने कह दी और कपिल आख्यान भी सुनाया, उन्हीं के दोहित्र था। आज पुत्रों की कथा हम श्रवण कराते हैं आपको। कि प्रियं बतो तन पादो शतरूपा पते सुचो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितः। प्रियम्रतो तानपाद नाम के दो पुत्र थे महाराज मनु के। तो उत्तानपाद बड़े थे, प्रियम्रत छोटे थे। प्रियम्रत का मतलब होता है जिसको प्रिय है व्रत, जिसको व्रत प्रिय है उसी का नाम है प्रियम्रत। उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर है, यूं तो पैर ऊपर सबके ही होते हैं गर्भ में, तो उत्तानपाद का दो विवाह हुए। एक पत्नी का नाम सुमति और एक का नाम था सुरुचि। देखिए नामों में भेद, देखिए नामों में अंतर, देखिए जो अपनी रुचि से काम करे हुआ है सुरुचि और जो अच्छी मति से काम करे हुआ है सुमति। लेकिन देखिए विलक्षण, विलक्षण क्या, सुमति तो देश घर से बाहर रहती है और सुरुचि रहती है महलों में। एक बेटा है सुमति के जिसका नाम है ध्रुव और एक बेटा है सुमति के, एक सुरुचि का एक सुमति का। तो दोनों के एक एक बेटा है। एक दिन बालक घुंघराले बाल, छोटा सा बालक 5 साल का, खेलते खेलते दरबार में चलाया। साथ के बच्चों ने बताया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं और किसी ने बता दिया कि देखो ये ध्रुव मैया सुमति का पुत्र है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ देख करके राजकुमार को अपने को, मोह बस गोद में ले लिया और गोद में बिठाया ही था। इतने में सुरुचि आ गई। सुरुचि ने हाथ पकड़ के खींच करके धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया और कहा, ए बालक अगर तेने इस गोद में ही बैठना था तो तप और करता, फिर मेरी कोख से जन्म लेता, फिर तेरे को ये गोद नसीब होती। तू इस गोद में बैठने लायक तप तूने नहीं किया है। छोटा सा बालक इन गूढ़ वचनों को क्या समझे। रोता रोता बालक अपनी मां के पास पहुंचा। माता से कहा, मैया ये तप क्या चीज होती है, मेरी मां ने मुझे पिता की गोद से नीचे पटक दिया और कहा तूने तप नहीं किया है, अब मैं तप करूं मां ताकि मैं पिता की गोद में बैठ सकूं। मां बड़ी समझदार थी, आंसू पहुंचे और कहा, बेटा अगर गोद में ही बैठना है तो परमपिता की गोद में बैठो। ये पिता की गोद में बैठना कोई बड़ी बात नहीं, सारी दुनिया बैठती है। कहती है बेटा
सत्यम सुरुच्चा विहतम भवान्ये यद दुर्वगाया उधरे गृहीत्वा स्वस्तेन वृद्धच्च विलक्षते या भारेत या सोड बृहस्पतिमा। हे पुत्र, हे मेरे बेटा, अंत में भी राजा को वन में जाना पड़ता है तप करने के लिए। अगर तेरे मन में ये बात आती है कि मैंने तप करना है, तो बेटा मैं धन्य, क्यों मेरी कोख उजागर हो गई, क्योंकि पुत्रवती तो वही स्त्री है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। जननी जनई तो पुत्र जने, हाँ जननी जनई तो पुत्र जने, कह दाता कह सूर, हो नाई तो जननी बाज रहे, फिर काहे गमावे नूर। अगर माता ने पुत्र पैदा करना है तो या तो भगवान का भक्त हो, अगर भगवान का भक्त नहीं हो तो दानी हो, और दानी भी नहीं हो तो सूरवीर हो जो देश की रक्षा कर। अब तीनों में से एक भी नहीं है तो वो किस मतलब का है? वो तो जननी जोवन बिटप कठारू, वो तो माता की यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है। इसलिए बेटा तू धन्य है, तेरे मन में ये बात आई है। सत्य बात यही है, कई लोग कहते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, शास्त्र से बिहित ले जाते हैं, शास्त्र से बाहर ले जाते हैं कि माता ने मना किया था कि बेटा ना तप करने ना जा। कहीं सुमति जैसी माँ अपने पुत्र को यह कह सकती है कि तू तप करने ना जा? माता ने पूरा सपोर्ट किया, और ध्रुव जी माता से विदाई लेकर के सुमति से तप करने के लिए चल दिए। छोटा सा बालक है, चला जा रहा है, कैसे तप करेगा कोई पता नहीं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, देखो बेटा क्षत्रिय वंश, छोटा सा बालक माता की छोटी सी बात पर और आहत होकर के परमात्मा का भजन करने के लिए जा रहा है, इसको विधि नहीं जानता है, ये कोई विधि नहीं जानता। गीता में एक बात लिखी है, आपने सुनी हो, कि विधिहीनम सष्टान्नम, ध्यान से सुनिए, विधिहीनम सष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणा, ओ श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, तप दो प्रकार के होते हैं, गीता में तीन प्रकार के भी बताए हैं, सात्विकी राजसी तामसी। लेकिन जिसमें विधि नहीं है, क्रिया नहीं है, सुपात्रता नहीं है, मंत्रों का सदुपयोग नहीं है, ऐसा यज्ञ, ऐसा जप, ऐसा दान कैसा कहलाता है? तामसी कहलाता है। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल, मेरे में यही कमी है, जब आप जयकार लगाते हो, जोर नहीं लगाते हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। बोलिए बांके। आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है, और जब तक हमारा जयकारा बांकी बिहारी तक नहीं पहुंचा, तो रात को कल हमने यहां स्वयं प्रकट भी तो करना है। कहीं को आएंगे वो तभी आएंगे जब हम उनको प्यार से बुलाएं। एक आपको दृष्टांत सुनाता हूं, नाम नाम का बड़ा फर्क होता है। यूं तो एक बात और भी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को, हा तुलसी मेरे राम को तुम रीज भजो या खीर, ओ एक दिन जरूर उपजेंगे तेरे उल्टे सीधे बीज।
कैसे भी भज लो फल तो मिलता है, लेकिन फल में कुछ अंतर भी आ जाता है। एक बार कोई संत जमुना जी के किनारे बैठ करके अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, करते करते क्या हुआ, एक चोर चला आया। चोर के पीछे सिपाही लगे हुए थे। चोर ने देखा अब तो कोई बचने का रास्ता नहीं है, संत की कुटिया में ही आश्रय लूं जाकर। तो संत की कुटिया में जाकर के चोर घुस गए। संत ने पूछा भाई कौन है, तो चोर ने स्पष्ट कहा महाराज मैं चोर हूं और मेरे पीछे लगे हैं सिपाही राजा के, मुझे बचा लो महाराज जी, मुझे बचा लो। संतों ने कहा ये ले पीतांबर ले मेरा और ओढ़ के यहां चौरे में सो जा। संतों ने पीतांबर दे दिया और चोर ओढ़ करके चौरे में सो गया। सिपाही आए और पूछने लगे संतों से, अरे बाबा यहां कोई चोर आया है क्या? संत कहने लगे हाँ आया है। कहां है? कि वो सो रहा पीतांबर ओढ़ के। एक जना को लपकने लगा, लेकिन दूसरा कहने लगा अरे बाबा मजाक कर रहा है, हमारे द्वारा भगाया हुआ चोर कहीं यहां सोएगा, अरे चल कहीं और ढूंढते हैं, भाग जाएगा, नहीं तो। चोर भाग गए, सिपाही चले गए। संतों ने कहा उठे आ बेटा, उठ के आ गया। अब संत कहते हैं बताए तू कैसे बचा, ये बाबा तेने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, पीतांबर दे के सुला दिया और सुला करके जब सिपाही आए तो कहा ये सो रहा है, पर मैं मेरे भाग्य से बच गया। बाबा कहते हैं तू भाग्य से तो नहीं बचा है, तेरे ऊपर पीतांबर जो राम नाम का पड़ा था, तेरे ऊपर पीतांबर जो कृष्ण नाम का पड़ा था, तू उसके कवच से बच गया। वो कहता है मैं नहीं मानता इस बात को, मैं आज मेरे भाग्य से बच गया, नहीं तूने तो बता ही दिया ये सो रहा है, ले जाओ चल बाबा छोड़, ये जमुना नदी है मुझे पार करनी है, कोई रास्ता है कि मैं जमुना नदी पार कर लूं? संतों ने कहा है। क्या है? कह लगे जमुना में प्रवेश करना और कहना हे मेरे राम मुझे पार कर दे, हे मेरे राम मुझे पार कर दे, हे मेरे राम मुझे पार कर दे, और तू पार हो जाएगा। अब चोर जो है ये मंत्र लेकर के जमुना में पार होने के लिए उतर गया। जैसे ही बढ़ता जाता है हे मेरे राम मुझे पार कर दे, हे मेरे राम मुझे पार कर दे, लेकिन पानी तो बढ़ता ही जाता है। जब नाक पर पहुंचा तो वापस लौट के आ गया। कहने लगे बाबा पहले तो चोरों को पकड़ा दिया होता और अब जो है जमुना में डुबो के मार दिया होता। कैसे संत हैं आप? संत कहने लगे बेटा एक मंत्र और देते हैं। कहने लगे हाँ दे दो, कि अब ये कहना कि हे तुलसी के राम मुझे पार कर दे। कि वो बा संत जो थे वो तुलसीदास ही थे खास। तुलसीदास जी कहने लगे अब तू ये कहना कि हे तुलसी के राम मुझे पार कर दे, हे तुलसी के राम मुझे पार कर दे। चोरों ने कहा चलो ये नाम भी अजमा लेते हैं। चोर चला नदी में प्रवेश किया और कहता गया हे तुलसी के राम मुझे पार कर दे, हे तुलसी के राम मुझे पार कर दे, हे तुलसी के राम मुझे पार कर दे। आखिरकार यहां घुटने घुटने तक पानी जमुना जी आराम से पार कर गया। बोलो वाके बिहारी लाल की। उधर से लौट के आया, बाबा के नाम में तो बड़ी ताकत है, विनिमय कर लेते हैं बाबा से, अदला बदली कर लेते हैं बाबा से। लौट के आया, संतों से कहा महाराज अपना वाला नाम हमको दे दो, हमारा वाला नाम तुम ले लो।
उधर से भी जब लौट के आया तो यही कहा, हे तुलसी के राम मुझे पार कर दे। बीच में मन में विचार आया कि कहीं शायद यहां पानी कम हो, इसलिए अपना बाल नाम भी प्रयोग कर लूं, इसलिए बीच में बोलने लगा, हे मेरे राम मुझे पार कर ले, तो पानी बढ़ने लगा। फिर वही बोला, हे तुलसी के राम मुझे पार कर दो। पार होके आ गया, बाबा के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु अपना वाला राम मुझे दे दो, मेरा वाला राम आप ले लो। संतों के चरणों में बड़ा सुख है, संतों के चरणों में बड़ी कृपा है, संतों के चरणों में बड़ा आनंद है। संतों के चरणों का आश्रय जिस इंसान ने ले लिया है, उस शीतल छाया की शब्दों से बड़ाई कर दे, ऐसे कोई शब्द हमारे शब्दकोश में है नहीं। तो ध्रुव जी को आज संत मिल गए। कौन मिल गए? ब्रह्मा जी ने भेजे नारद जी। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक, 5 वर्ष का घुंघराले बाल, मस्ती में चला जा रहा है जंगल की तरफ। नारद जी ने समझाया, बेटा कहां जा रहे हो? बालक कहने लगा, महाराज जी मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। मेरी माता ने, सुरुचि ने मुझे पिता की गोद से गिरा दिया और कहा तू तप करेगा तब इस गोदी को नसीब करेगा। लेकिन मेरी माँ ने यह कहा, बेटा पिता की गोद में बैठ के क्या लेना, अगर तूने गोद में बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठ। इसलिए गुरुदेव मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। पहले तो नारद जी ने बड़ी परीक्षा ली, फिर कहा ये नहीं मानेगा। तो नारद जी ने परीक्षा लेकर के उसको कहा, बेटा तत्तातगच्छ भद्रं ते यमुना तटं शुचि औपुण्यं मधुवनं यत्रा सानिधि नित्यदा हरे। हे बेटा यमुना जी के किनारे पर चले जाओ, वहां क्या है, एक मधुवन नाम का वन है, या नित्य सानिध्य होता है परमात्मा का, जहां समीप रहते हैं भगवान हर दिन हर पल हर क्षण। वहां जाओ, वहां जाकर के आपने किस मंत्र का जाप करना है तो कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर। ये मंत्र भी दे दिया, आशीर्वाद भी दे दिया और जा करके तप करने के लिए चले गए ध्रुव जी। इधर राजा को किसी ने कहा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी गोदी से गिरने के कारण तुम्हारी पत्नी ने जो गिराया वो तप करने के लिए चला गया। राजा बड़ा चिंतित बैठा था, क्या करे। इतने में ही नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा, राजन क्यों चिंतित हो? राजन किम ध्यायसे दीर्घ मुखेना परिशुष्यता किम माननिश्यते कामो धर्मो वार्ते न संयुत। क्या चिंता है आपको राजन? तुम्हारा मुख सूख रहा है, धन की चिंता है, धर्म की चिंता है, किस चीज की चिंता है आपको? राजा कहता है, महाराज क्या करूं मैं, सुतो में बालको ब्रह्म स्त्रेणा करुणात्मना निर्वाचिता पंचवर्षः सहमात्रा महान कवि। मेरा परम ज्ञानी पुत्र जो 5 वर्ष की अवस्था का था, हे महाराज मैंने अपनी पत्नी के आंखें लग करके, अपनी पत्नी के बातों में आकर के 5 वर्ष का बेटा मैंने घर से निकाल दिया। न जाने मेरे पिता का पुत्र की क्या हालत हो रही होगी। अहो मैं बत दौरात्यम स्त्री जित शोध पराधया यो अंके प्रेमणा रुक्षम नाभिदंत सत्तमः।
जो बड़े प्रेम से मेरी गोद में आकर के मेरा पुत्र छोटा सा बैठा, मैंने पत्नी की बातों में आकर के मेरे सामने मेरी पत्नी ने उतार करके फेंक दिया, मैं कुछ भी नहीं कर सका, मैं उसी के लिए चिंतित हूं। नारद जी कहते हैं, राजन मामा सुच सुतने देव पुत्र विसंपते तत्र भावाम विज्ञाया प्रामंके यशसो जगत। नारद जी कहते हैं उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो उसकी गोद में चला गया है, वो उसकी गोद में चला गया है जिसकी गोद में जाने से सब निर्भय हो जाते हैं। उसकी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो, अपनी पत्नी की चिंता करो, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अरे उसकी तप के द्वारा तो प्रभाव बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, वो तुम्हारा भी नाम रोशन करेगा, अपना भी नाम रोशन करेगा, इसलिए उसकी चिंता मत करो राजन। नारद जी चले गए, ध्रुव जी ने तप किया, छोटी सी अवस्था है। कई लोग कहते हैं तप तो करेंगे लेकिन बूढ़े होके करेंगे, भगवान का भजन तो करेंगे पर बूढ़े होकर के करेंगे। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, वाणी दर्ज है कि रामा ही सुमीरी ऐसे ऐसे, रामा ही सुमीरी ऐसे ऐसे, कैसे कैसे कि ध्रुव प्रह्लाद भजो हरि जैसे, ऐसे भगवान का भजन करो जैसे ध्रुव जी ने किया, जैसे प्रह्लाद जी ने किया। क्या कोई विशेष किया ध्रुव जी ने, क्या कोई प्रह्लाद जी ने विशेष किया? हाँ विशेष किया। क्या किया? कि प्रथम अवस्था से ही परमात्मा का भजन किया। एक बात मैं बताई देता हूं आपको, ध्यान से सुनने वाली है, बचपन में जो आदत आपको बन गई है चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो तुम्हारे एंड तक साथ रहेगी। बचपन में चोरी सीख ली, अंत तक चोरी ही करते रहोगे। अगर तन से नहीं करोगे तो मन से करोगे। बचपन में अगर आपने कोई और बुरा काम सीख लिया है तो बुढ़ापे तक करते रहोगे, तन से नहीं करोगे तो मन से करोगे। अगर बचपन में आपने भगवान के नाम की आदत डाल ली है तो वो आदत तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और तुम उस आदत को नहीं छोड़ोगे, और तुम्हारी जिंदगी ध्रुव प्रह्लाद जैसी हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को ऐसे चलाओ कि बचपन से ही परमात्मा के नाम की भक्ति का आश्रय लीजिए, बचपन से ही आदत डालिए परमात्मा के नाम की, क्योंकि न जाने ये मन कब किधर चला जाए। अगर ये परमात्मा की भक्ति से सुसज्जित होगा, अगर ये परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत होगा, अगर ये परमात्मा की भक्ति से विभूषित होगा तो ये कभी कुपंत में पैर नहीं रखेगा। इसलिए उस बात का हमेशा ध्यान रखो कि राम ही सुमिरिए ऐसे ऐसे ध्रुव प्रह्लाद भजो हरि जैसे। तो ध्रुव जी ने भक्ति की, परमात्मा द्वाद साक्षर मंत्र का जाप किया और पवित्र स्थान था, परमात्मा की बड़ी जल्दी कृपा हुई, देवताओं की श्वास रुकने लगी, देवता घबराए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत, मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव प्रह्लाद छोटी सी अवस्था में तप कर रहा है, मैं उसको वर दे करके तुम्हारे संकट को दूर कर देता हूं। भगवान आए थाम लो हाथ मेरा सांवरे,
हार कर दरबार तेरे आया हूँ। थाम लो न हाथ मेरा सांवरे, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, मन में ये विश्वास लेके आया हूँ। भाव लो नहात मेरा सावरे, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। श्री राधे काली सेवा करते हुए बदलती रंग ये दुनिया के प्रार्थी हूँ नसीहत का, बदलती रंग ये दुनिया के प्रार्थी हूँ नसीहत का। समझ ना पा रहा हूँ मैं दिखावा क्या हकीकत का, समझ ना पा रहा हूँ मैं दिखावा क्या हकीकत का। हर कदम तिठो पर संसार ने कमल के सौगात तेरी आया, थाम लो न हाथ मेरा सांवरे, हार कर दरबार तेरी आया। हाथों से हुआ बीमार में वैद्य को उपचार को मिलाया, थाम लो न हाथ मेरा सांवरे, हार कर दरबार तेरी आया हूँ। थाम लो न हाथ मेरा सांवरे, हार बाबा दया निधि नाम है तेरा, दया याद
लालच होवे बाबा सताए उलझने मुझको मेरा रक्षक है तू बाबा सताए उलझने मुझको मेरा रक्षक है तू बाबा वो गम के हाथों से हुआ बीमार में वेद तो उपचार को भी आया हूँ हाथ भी सारी हार कर दरबार तेरे आया बात बड़ी विलक्षण में बताया करता हूं। परमात्मा कहते हैं कि जे तू आए एक कदम जे तू चल करके मेरी तरफ एक कदम आएगा जे तू आए एक कदम तो मैं आऊं साथ हे मेरे प्यारे भक्त अगर तू मेरी तरफ चल के एक कदम आएगा तो मैं तेरी तरफ 60 कदम चल के आऊंगा जे तू आए एक कदम तो मैं आऊं 60 और जो तू हट जाए एक कदम तो मैं लोहे की लाठ जे तू एक कदम पीछे को हट जा तो मैं भी पिलर हूं लोहे का जहां गड़ा हूं वहीं गड़ा हूं फिर नहीं आगे चलूंगा अगर तू एक कदम मेरी तरफ चलेगा तो मैं 60 कदम तेरी तरफ चलूंगा भगवान का वायदा है ऐसे भगवान को भी हम भूल जाएं तो दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है ऐसे परमात्मा को भी हम विसार गए तो दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है आज ध्रुव जी ने प्रभु को प्रार्थना की है हे परमात्मा हे परमेश्वर पधारो और उसकी इस प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने देर नहीं की तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हुए और वहां पर पहुंचे जहां पवित्र आनंद वन में जमुना जी के किनारे ध्रुव जी तप कर रहे थे जाकर के भगवान ने दर्शन दिए ध्रुव जी ने देखा प्रभु सामने खड़े हैं लेकिन 5 वर्ष का बालक क्या भगवान की स्तुति करें कोई बोध तो है नहीं कोई ज्ञान नहीं है अभी कोई विद्यालय भी नहीं गए कैसी स्तुति करें मन में शंका आ रही है भगवान समझ गए प्रभु ने अपना 5 जन शंख लिया कपोल पर लगा दिया और जैसे ही परमेश्वर के उस 5 जन संघ का स्पर्श हुआ वाणी की बागधारा उमड़ पड़ी और प्रभु को स्तुति की योवंतः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल सतिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण सर्वणात्वदादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् प्रभु मेरे में आपकी स्तुति करने की कोई सामर्थ्य नहीं थी बाबा नारद जी मंत्र दे गए 12 अक्षर का मैं जपता रहा प्रभु आपने दर्शन दिए अब आपने जो पंचजन्य मेरे संग यहां कपोल से लगाया मेरी वाणी बागधारा उमड़ पड़ी यो अंतः प्रवेश मम बात मिमाम सुकुत्ता मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया मेरी हुई सोई हुई वाणी का आपने प्रवाह कर दिया संजीवनी पिला दी मेरे को प्रभु आपने कौन सी संजीवनी पिला दी जो मेरे दिल अब कर रहा है कि मैं आपकी
स्तुति गाऊं, मैं आपकी प्रार्थना करूं, मैं आपकी बंदगी करूं। हे प्रभु, मेरे हाथ पैर चरण सब कुछ मन बुद्धि शिथिल हो गया था इतने दिन तप करने से, लेकिन जैसे ही आपने मेरा स्पर्श किया प्रभु पांचजन्य संग से, मैं पहले से भी सजीव हो गया, मैं पहले से भी सुंदर बन गया, मैं पहले से भी अच्छा बन गया। दयालु भगवान, आप तो पुराण पुरुष हैं, आप परमेश्वर हैं, मैं किस मुख से आपकी स्तुति गाऊं। बड़े सुंदर आठ श्लोकों से स्तुति की ध्रुव जी महाराज ने। भगवान ने कहा, बेटा तेरे हृदय में जो बात है मैं सब बातों को जानता हूं, तू क्या चाहता है ये मैं जानता हूं। हालांकि तेरी जो अभिलाषा है बहुत बड़ी है, पर पहली अभिलाषा तो तेरी ये कि तेरे को पिता की गोद नसीब नहीं हुई और तूने मेरी गोद के लिए ये तप किया। आजा बेटा, पहले मेरी गोद में बैठ। भगवान ने हाथ पसार करके ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और ध्रुव भगवान की गोदी में बैठ के गदगद हो गया। आंसुओं की प्रेम की धारा बह निकली। भगवान हाथ फेर रहे हैं सर पर, बताइए वो विलक्षण क्षण, वो भाग की अनुभूति कौन कर सकता है जो परम ब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठा रो रहा है और भगवान उसके सर को सहला रहे हैं। एक बार बोलो, बांके बिहारी लाल की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा, ये अभिलाषा तेरी पूरी हुई, अब तेरी दूसरी अभिलाषा जो है, सुन बेटा, तेरे को वो मैं लोक प्रदान करता हूं। जिस प्रकार से आपने कभी देखी हो, पुराना जमाने में जाओ, आज से कोई 50 साल पहले 60 साल पहले तो बैलों की जोड़ियों को बांध करके, दो तीन जोड़ियां और कनक गेहूं या कोई भी चीज डाल देते थे, फिर उस पर उन बैलों को चलाते थे, उसको दाएं कहते हैं, दामरी कहते हैं। वो बैल घूमते थे, उसको अन्न को अन्न बना देते, भूसा को भूसा बना देते थे। तो भगवान कहते हैं, जिस प्रकार बैल घूमते हैं ना, ऐसे ही तेरे को वो लोक प्रदान करता हूं जहां सारी सृष्टि तेरे आसपास घूमेगी। आपको शायद अनुभूति हो, आपको शायद पता हो, ठीक उत्तर की दिशा को प्रदर्शित करता है ध्रुव तारा। आप तो कंपास नहीं हो आपके पास, आपने दिशा जाननी हो तो ध्रुव तारे को देख करके आप ये स्पष्ट कर सकते हो कि उत्तर इधर ही है। फिर इसका भी पता आपको नहीं लगे तो आपको मैं बताऊं, इधर से सप्तर्षि निकलते हैं, सप्तर्षि निकल करके उदय होते हुए आकर के ध्रुव तारे की परिक्रमा करके अस्त हो जाते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सब, जितने भी उल्का पिंड है, सब ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। आशीर्वाद दिया, बेटा बहुत समय तक राज करेगा, सदैव तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। तो वैसा ही हुआ, माता पिता ने अपने प्राश्चित किया, माता ने भी पिता ने भी राज्य प्रदान किया। छोटा भाई उत्तम जो सुरचि का पुत्र था, गंधर्वों ने मार दिया। ध्रुव जी ने गंधर्वों के ऊपर चढ़ाई कर दी, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत सारे गंधर्वों को मार दिया। तो स्वांडु मनु ने आकर के यज्ञ को, युद्ध को बंद कराया और युद्ध बंद कराने के बाद कुबेर ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी के जब जाने का समय आया तो क्या होता है कि विमान आ गया। जब विमान आ गया तो बैठने लगे ध्रुव जी, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया, देह सहित तू मेरे लोक को आएगा। लेकिन बूढ़ी सी माता जी आ गई, वो कहने लगी, जब तक हमको स्वीकार नहीं करेगा तब तक तो परलोक जा नहीं सकता। बूढ़ी सी माता कौन थी? तो कहा वो थी मृत्यु। ध्रुव जी ने कहा, माता जी थोड़ा सा नीची हो जाओ। माता जी थोड़ी नीची हुई बैठी, उनके पैर पर, उनके सर पर पैर रख करके ध्रुव जी और बैठ गए विमान में।
विमान में बैठ करके जब चलने लगे तो ध्रुव जी ने पूछा पार्षदों से, भगवान के पार्षदों से, कि मैं तो विमान में जा रहा हूं लेकिन जिस माता ने प्रेरणा दी थी मुझे तप करने की, कौन सी माता ने दी? सुरुचि ने। मेरी माता सुरुचि ने प्रेरणा दी परमात्मा का तप करने की, भगवान की गोद में बैठने की, ये पद पाने की। वो माता स्वर्ग में नहीं जा रही है क्या? भगवान के पास कहते नहीं नहीं, आगे आगे जो दो विमान जा रहे हैं ना उनमें तुम्हारी दोनों माताएं और तुम्हारे पिताश्री भी स्वर्ग में आपके साथ ही जा रहे हैं। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने अखंड तप करके भगवान के धाम को सदैव प्राप्त किया। ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग हुए, अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन अंग के घर में बैन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। बैन कैसा था कि छोटे छोटे साथी बच्चों को समुद्र में डुबो के मार देता था, जमीन में गाड़ के मार देता था, बड़े बड़े धनुष बाण लेकर के छोटे छोटे साथी बच्चों को मार देता था। सब कहते थे देखो भैया अपने अपने बच्चों को छुपा लो, बैन आ रहा है, बैन आ रहा है। बैन ने अपने माता पिता को इतना दुखी किया कि पिता तो बेचारा छोड़ करके राज जंगल में चला गया तप करने के लिए। बैन गद्दी पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ करके बैन ने अत्याचार शुरू किए। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया और कहा भाई तुम लोग किसका भजन करते हैं? ब्राह्मण कहने लगे भगवान का करते हैं और किसका करें, कि क्यों भगवान तुमको खिलाने के लिए आते हैं? अरे मेरी जमीन में अन्न पैदा होता है तुम लोग खाते हैं, मेरा भजन करो। ब्राह्मणों ने कहा कैसी उल्टी बात कर रहे हो कि नहीं सत्य बात कर रहे हैं, तुम तो वो जार पुरुष की तरह है जो खाता तो खाती तो औरत अपने पति का है और गुण गाती है जार पुरुष का, तुम्हारा वो हाल है। ऋषियों मुनियों ने बड़ा समझाया, वे नहीं माना। ऋषि मुनियों ने लेकर के जल और उसको श्राप देकर के मार दिया। बैन मर गया। बैन मरने के बाद लोग आताताई बढ़ गए, अराजकता फैल गई, चोरियां होने लगी, बड़े बड़े दुष्कर्म पाप होने लगे। आखिरकार के ऋषि मुनियों ने सोचा अब क्या करें, उसकी पत्नी ने उसके शरीर को जलाया नहीं था, उसके शरीर को लिया और उसकी जंगाओं का मंथन किया तो एक काला पुरुष निकला। काला पुरुष कहने लगा तो क्या करें महाराज हम? तो ऋषि मुनियों ने कहा निशीत यानी बैठ जा, तू कुछ मत कर बैठ जा। फिर बुजाओं का मर्दन किया तो महाराज पृथु का प्रादुर्भाव। पृथु हमारे 24 अवतारों में से भी एक होते हैं। पृथु चरित्र हम बाद में सुनाएंगे पर पहले सुनिए। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु महाराज बैन जब धर्मात्मा थे और महाराज ध्रुव की तो कथा आपने सुनाई है तो फिर उनके घर में कुपुत्र कैसे पैदा हो गया, ऐसा बैन जैसा पापी कैसे पैदा हो गया? सुखदेव जी कहते हैं राजा महाराज अंग बड़े ज्ञानी थे लेकिन बैन कैसे पैदा हुआ कि इनकी पत्नी मृत्यु की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मृत्यु की पुत्री। अब मृत्यु तो तामस का देवता होता है, अब तामस का देवता है तो पुत्री भी तामसी होगी इसलिए वो तामसी था। अब बैन का चरित्र महाराज पृथु का चरित्र सुनाते हैं। पृथु महाराज ने बहुत सुंदर कर्म किए। पृथु महाराज जब जन्म लिए तो बंदी जनों ने गुणगान किए। महाराज पृथु कहने लगे मैंने अभी जन्म लिया है कोई सदकर्म नहीं किया, फिर आप गुणगान मेरे कर रहे हो, कहीं तुम्हारी वाणी झूठी नहीं हो जाए। महाराज बैन ने जो बंदी जनों ने गुण गाया उसी में से गुण ग्रहण कर लिया और गुण ग्रहण करके वही आचरण किया। प्रजापालक बताया तो प्रजापालना की, जो जो गुण बनाए वही वो गुण। एक दिन सारी प्रजा इकट्ठी होकर के
महाराज प्रथु के पास आई और कहने लगी, प्रभु हम तो भूखे मर रहे हैं। क्या बात हो गई कि तुम्हारे पिता के अत्याचार से पृथ्वी जब से बीज डालते हैं बीज खा जाती है, बीज उपजता नहीं है, कोई फल नहीं मिलता है। महाराज प्रथु ने धनुष मार लिए, पृथ्वी पर तान दिए, पृथ्वी गायक बनकर के सामने खड़ी हो गई, थर थर कांपने लगी और कहा, महाराज मेरा दोष नहीं है, तुम्हारे पिता का दोष था, उसके कारण मैंने सारी संपत्ति अपने अंदर समाहित कर ली है। आप ऐसा करो, जो जो वस्तु चाहिए उसी उसी को बछड़ा बना करके मेरे से निकाल लीजिए। तो भगवान प्रथु ने इंद्र को बछड़ा बनाया और बहुत बहुत लोगों को जिन जिनको बछड़ा बनाया उन्होंने सब वस्तु पृथ्वी में से निकाल ली। बाद में वैसा ही धरी भरी पृथ्वी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। महाराज प्रथु ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। लास्ट के अश्वमेध यज्ञ में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर भगवान ने कहा, मांगो प्रथु, क्या मांगना चाहते हो? हे प्रथु मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? तो आपसे अगर भगवान कहे कि क्या मांगना चाहते हो तो क्या मांगोगे भाई? कोई पुत्र मांगेगा, कोई स्त्री मांगेगा, कोई धन वैभव मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई अच्छा लोग होगा तो भगवान के चरण कमल की पूजा मांगेगा, सेवा मांगेगा, भक्ति मांगेगा, मोक्ष मांगेगा, ज्ञान मांगेगा। लेकिन प्रथु ने क्या मांगा? प्रथु कहते हैं, महाराज मुझको 10,000 कान दे दो। क्या दे दो? 10,000 कान। भगवान ने कहा, दो कान थोड़े हैं, 10,000 कानों से क्या करोगे? कि प्रभु भगवान की कथा सुनने के लिए दो कान कम पड़ते हैं, ध्यान देने वाली बात है। महाराज प्रभु कहते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए दो कान कम पड़ते हैं, 10,000 कान दो, इसलिए 10,000 कानों से भगवान की कथा में सुनो। बोलिए बाकी, कंजूसी नहीं, बोलो बांदे बिहारी। तो इस प्रकार महाराजा प्रथु के वंश में आगे प्रचेता हुए। प्रचेताओं ने बहुत बड़ी भगवान की भक्ति की। इस कुल में बहुत सारे भक्त हुए, प्रचेता विख्यात हैं, जिन्होंने भगवान रुद्र को प्रसन्न किया और रुद्र गीत गाया, रुद्र ने उनको सदगति प्रदान की। इस प्रकार से प्रचेताओं ने जो है भगवान की तपस्या की। भगवान की विलक्षण कथा आप श्रवण कर रहे हैं इस पावन श्री राधा कृष्ण धाम में बैठ करके। आज तीसरा दिन है, आज बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। मैं नित्य निवेदन करता हूं और करता रहूंगा 7 दिन तक, तीसरा दिन है आज। मेरा निवेदन यही है जो कल भी किया था, परसों भी किया था, कि एक राधा कृष्ण धाम कोई मंदिर नहीं है, ये राधा कृष्ण धाम कोई एक आश्रम नहीं है, ये राधा कृष्ण धाम कोई वस्तु नहीं है, एक राधा कृष्ण धाम एक वो चीज है जहां से नई किरण की आशा इंसान को मिलती है, निय संतान को संतान मिलती है, संतान के त्यागे हुए छोटे छोटे बच्चों को यहां आश्रय मिलता है। ये राधा कृष्ण धाम फरीदकोट की ही शान नहीं है, ये राधा कृष्ण धाम पंजाब की ही शान नहीं है, ये राधा कृष्ण धाम भारतवर्ष की ही शान नहीं है, ये राधा कृष्ण धाम समूचे विश्व की शान है। जब आप देखोगे उन बच्चों को जो अभी एक दिन का नाली में से उठा करके लाया गया, आप जब देखोगे 3 दिन का बच्चा जब उठा करके लाया गया हॉस्पिटल से, आप देखोगे उन बच्चों को तो आप गदगद हो जाओगे। ये वो काम यहां हो रहा है जो विश्व में शायद कहीं नहीं हो रहा। वो फेंके हुए बच्चे, परित्यागे हुए बच्चे,
उन बच्चों को छत्र छाया मिलती है और उन बच्चों को अच्छी गोद मिलती है। ये नहीं जिसने लिया उसी को दे दिया, उसको देते हैं जो ये देख करके कि हाँ बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी होगी और इस धाम में भी बच्चे की वो परवरिश होती है जो अच्छे अच्छे घरों में हो रही है। पढ़ाई वाले को पढ़ाई, लिखाई वाले को लिखाई और माताएं जो सेवा करती हैं उन बच्चों की 24 hours 24 घंटे सभी इंतजाम जो होता है उसकी प्रशंसा मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता। इसलिए इस धाम की जरूर ही आप ख्याल रखो सभी, क्योंकि हम सब की शान है, सारे विश्व की शान है, सारे भारतवर्ष की शान है। इस शान को बरकरार रखने के लिए मैं आपसे बार बार अपील, बार बार निवेदन, बार बार प्रार्थना करता रहूंगा और इसके लिए आप सजग रहें। आगे भगवान की पावनी कथा में महाराज पुरंजन का चरित्र आता है जो बड़ा गूढ़ है। उससे एक ही ज्ञान मिलता है कि इंसान को विषयों से हमेशा दूर रह करके परमात्मा की भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो सब फीके हैं, सुख देने वाले नहीं हैं। प्रचेताओं ने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया और उसके बाद प्रारंभ होता है छठवां स्कंध। छठवां स्कंध है बड़े बड़े धर्मात्मा राजाओं का चरित्र, जिसमें मैंने उत्तानपाद का चरित्र आपको सुनाया, मनु का पहला बेटा, दूसरा बेटा प्रियंव्रत। मैंने इशारे में आपको बताया कि जिसको व्रत ही प्रिय है उसका नाम है प्रियंव्रत। प्रियंव्रत बड़े धर्मात्मा राजा, धर्म पूर्वक राज किया। इन्होंने सूर्य के साथ में चल करके अपने रथ से 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। महाराज प्रियंव्रत, क्या आप सूर्य की गति से चल सकते हो? इनके पुत्र हुए आग्निग, बड़े ही धर्मचित्त। इनकी विवाह पूर्व चित्ती नाम की एक अप्सरा के साथ में हुआ और इनके पुत्र पैदा हुआ नाभि, जिनका आगे चल के अजनाब नाम हुआ और भारतवर्ष का नाम भी उनके नाम पर अजनाब हुआ। इसके बाद में नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव, जो ऋषभदेव हमारे जैन समुदाय के लोग, हमारे जैन धर्म के लोग जिनको अपना प्रथम स्थानक मानते हैं वो हैं महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव अवधूत अवस्था में रहते थे, राजा होते हुए भी अपनी प्रजा को सदुपदेश करना, बहुत सुंदर उपदेश देना, अपने पुत्रों को भी सदुपदेश देना। बताते थे हम देह नहीं है, शरीर नहीं है, हम तो उस परमात्मा की एक छोटी सी बूंद बिंदु है। इसे रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। तो अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, शिक्षा दी और भगवान का तप करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ऋषभदेव के शरीर त्यागने के बाद इनके परिवार में, इनके कुल में महाराज भरत का जन्म हुआ। ये पहले भरत हैं भारतवर्ष के, भरत जी महाराज ऋषभदेव के पुत्र। इन्होंने पांचजनी से अपना विवाह किया जो विश्वरूप की कन्या थी। 9 पुत्र हुए इनके और 9 भागों में भारतवर्ष को बांट करके इनके नाम से भारत का नाम भरत भी पड़ा, भारत भी पड़ा। लेकिन राज ऋषि भरत जैसा ज्ञानी अंत समय में भटक गया, घर का परित्याग किया, पत्नी पांचजनी का परित्याग किया, जंगल में तप करने के लिए चले गए। गंडकी नदी के किनारे पर महाराज भक्त भगवान का तप कर रहे थे। उसी समय घने जंगल में किसी शेर ने बड़े जोर से दहाड़ लगाई। दहाड़ को सुनकर के सारे जीव इतर बितर होकर के
भागने लगे, जिधर उसको रास्ता मिला उधर भागने लगे। एक हिरनी दौड़ी, सामने गंडकी नदी आ गई। उसने गंडकी नदी जोर से पार की, शरीर को जोर लगा, वो पूर्ण गर्भवती थी। उसका गर्भ तो नदी में गिर गया और दूसरे किनारे पर आकर के हिरनी ने शरीर का त्याग कर दिया, हिरनी मर गई। सारा चरित्र बैठे हुए भरत जी नदी के किनारे अपनी कुटिया में बैठ के सारा चरित्र देख रहे थे। दया के भंडार भरत जी महाराज के मन में ये बात आई, ये जल का जीव नहीं है, ये मर जाएगा इसमें, इसलिए उसको उठा लाए, पानी में से निकाला और बड़े प्यार से उसको पाला। पाल करके बड़ा किया, अपने हाथ से घास तोड़ तोड़ करके खिलाते हैं। पांचजनी का परित्याग करने वाले, नौ पुत्रों का परित्याग करने वाले, विशाल साम्राज्य का परित्याग करने वाले, एक हिरनी के बच्चे के मोह के जाल में ऐसे फंसे। एक दिन वो बच्चा अपने झुंड में मिल गया, लौट के वापस नहीं आया। और भरत जी ने सारी रात उसी की चिंता करते करते, हाय वो कैसे रह रहा होगा, हाय उसको कोई हिंसक जीव तो नहीं मार देगा, ऐसी चिंता करते करते रात को ही शरीर त्याग दिया। शास्त्र कहते हैं अंत मतासो गता, अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसी गति प्राप्त हो जाती है। शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं अंत वेला है तो भगवान में मन लगाओ, केवल संसार में मन मत लगाओ। संसार में मन लगाओगे तो संसार के बन जाओगे, और भगवान में मन लगाओगे तो भगवान के बन जाओगे। अंत समय में इंसान को हर किसी वस्तु का परित्याग करके एकांत में बैठ करके ये कह दे कि मैं तो सन्यासी हो गया, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करें तो अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहां भरत जी महाराज ने सब कुछ छोड़ने के बाद त्याग तो किया, लेकिन अंत में हिरण के बच्चे से नेर हो गया और उसी रात प्राण छोड़ गए, दूसरे जन्म में हिरण ही बन गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। गीता में एक श्लोक लिखा है, क्या लिखा है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्संगम अधिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय नामे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीय नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान की भक्ति करते करते किसी का पैर फिसल जाए, पैर फिसल जाए किसी, जैसे आप जानते हैं पढ़े लिखे हैं सब, कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, दसवीं कर ली, बारहवीं में पहुंच गया, एक सब्जेक्ट वाले दिन बुखार आ रहा है, तीव्र बुखार आ गया, नहीं पहुंच पाया पेपर देने के लिए। बाकी सभी में 80% 90% नंबर है, एक पेपर में जीरो है। तो सरकार क्या करती है, शिक्षा विभाग क्या करता है, उसके लिए सप्लीमेंट्री पेपर रखा जाता है, रिपेयर उसको दोबारा वही पेपर दे करके एक सब्जेक्ट का वो पास हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा का भी विधान है। भगवान ने भी कहा है कि अगर तेरी योग करते करते साधना करते करते मेरी भक्ति करते करते कोई विघ्न आ जाए तो तेरा जीवन वहीं से शुरू होगा जहां से तूने छोड़ा है। छिप्यम भवति धर्मात्मा, वो किसी भी अवस्था में हो वो वही वैसा ही धर्मात्मा बन जाता है।
और सत्संगम गच्छति स्वतंत्र होकर के भ्रमण करता है। कौन्तेय प्रतिजानीय नामे भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन निश्चय करके जान ले कि मेरे भक्त का अधः पतन नहीं होता। आज वही बात पूर्ण होती है भरत जी महाराज के ऊपर। भरत जी महाराज बन तो गए हिरण, लेकिन हिरण के शरीर में भी उनको ज्ञान बना रहा। अब वो किसी से स्नेह नहीं करते हैं, क्योंकि पहले स्नेह में पस करके मारे गए थे। इसलिए अब क्या करते हैं, सूखा चारा गीला चारा जहां मिल जाता है खा पी लेते हैं, पेट भर लेते हैं, मस्त रहते हैं। थोड़े ही समय में वो शरीर का परित्याग कर दिया और फिर सुर दुर्लभ ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। अब जो है वहां भी इनका नाम भरत हुआ, लेकिन एक शब्द और आगे लग गया, नाम हो गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। आइए जड़ भरत जी महाराज की कथा श्रवण करते हैं। कभी कभी कुल में ऐसा कोई पैदा हो जाता है जो इस लोक के मतलब का नहीं होता, इस लोक के मतलब का नहीं होता, लेकिन परलोक का बड़ा वो भागीदार होता है। ऐसे ही भरत जी महाराज किसी कुल में जन्म लिए। जन्म लेने के बाद माता पिता ने बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन कोई पढ़ाई लिखाई याद नहीं की। उन्होंने सोचा आज पिताजी कह रहे हैं पढ़ ले, कल कह रहे हैं नौकरी कर, परसों कहेंगे ब्याह कर ले, फिर कहेगा बच्चा पैदा कर, हम तो फंस जाएंगे। इसलिए न पढ़ाई की न लिखाई की। स्वाभाविक पूर्व जन्म का संपूर्ण ज्ञान हृदय में था, वो आगे चल के हम अभी आपको बताएंगे। माता पिता ने जब अंतिम समय देखा अपना, तो अपने दूसरे पुत्रों को कहा, बेटा हो घर में कुत्ता पालते हैं तो रोटी डालते हैं, आप इसको अपना कुत्ता ही समझ लेना और इसको भर पेट भोजन देते रहना, ये परमहंस है, इसको खिलाया हुआ हकारत नहीं जाएगा। परमहंस जो संत होते हैं उनको खिलाया हुआ अन्न अकारत नहीं जाता, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, वो रस हमारा उनके अंदर होता है और उसका फल हमको साक्षात प्रकट में प्राप्त होता है। लेकिन भाइयों ने उस समय तो कह दिया, माता पिता मर जाने के बाद उसके हाथ में डंडा पकड़ा दिया, गायों की रक्षा करो, जाओ गाय चरा के लाओ। वहां फेल हो गए, कोई गाय कहीं चली गई, कोई गाय कहीं चली गई, स्वेच्छाचारी होकर के वो भगवान का भजन करते रहे। इसके बाद जिस गाय को, जिस खेत को गाय खाती थी वहां रखवाली करने के लिए भेजा, वहां भी फेल हो गए। उन्होंने कहा भाई भगवान की गाय भगवान का खेत हमके बीच में आए, एक खेत में दाने पके थे उसकी रखवाली करने के लिए भेजा भरत जी को। भरत जी ने कहा हर की चरैया हर का ही खेत, खाओ ही चरैया भर भर पेट। भाभियों ने कहा इसको 2.5 किलो चराओ, काम का न धंधे का, निकालो इसको घर से बाहर, अगर तुम इसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो शाम को हम तुम्हारे लिए भी रोटी नहीं बनाएंगे। दर भरत जी को बाहर निकाल दिया, लेकिन संत का मान क्या अपमान क्या, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, जैसे परमात्मा रखेगा वैसे ही रहेंगे, ऐसा मन में विचार। जड़ भरत जी जंगल में जो कुछ मिल जाता है खा पी लेते हैं, मस्त रहते हैं। एक दिन एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। राजा रघुगुण ज्ञान पाने के लिए, सत्संग करने के लिए चार पहाड़ों पर बैठ करके डोली में और सत्संग के लिए जा रहा था। रास्ते में एक कहार फेल हो गए, कहार फेल हो गया तो बाकी के कहारों ने कहा महाराज एक कहार भी मार हो गया। राजा ने कहा हमारे लिए सभी सेवक हैं, कोई भी आदमी ढूंढ लाओ।
राजा के कहने पर कहार गए और कोई तो मिला नहीं, भरत जी ही मिल गए। भरत जी को उठवा दी डोली, भरत जी लेकर के चल रहे हैं डोली को, रघुगण अंदर बैठा है। जब भरत जी पैर आगे को रखते हैं, चींटी सामने आती है तो वो अपना छाल मारते हैं, पालकी हिल जाती है। राजा रघुवर कहता है, अरे भाई ठीक ढंग से क्यों नहीं चला रहे। कार कहते हैं, महाराज नया कहार आ रहा है, आया है, उससे चलना नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इससे कह दो ठीक चले। फिर चलते हैं, फिर चींटी आती है, फिर छाल मारते हैं। राजा कहने लगा, क्यों भाई तुझे मरने से डर नहीं लगता? तू वैसे तो हट्टा कट्टा सा है और मेरी जो भार तेरे से चल खींचा नहीं जाता। एक दो बार तो जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया। बार बार राजा रघुवर ने कहा तो कहा, देख भाई जीव का कर्तव्य है भार ढोना, और तू कहता है तू तगड़ा है, तो भाई तगड़ा तो शरीर है, आत्मा तो सदा एक रस रहती है, किसकी बात तू करता है। अब राजा ने उठा करके पर्दा देखा और देख करके राजा कहता है, ऐसी बात करने वाला कहार तो नहीं हो सकता। पर्दा हटा के देखा तो जनेऊ देखा कंधे पे। राजा रघुगण कूद पड़ा, चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु ना हम भी संके सुर राज भद्रा न यम नायक सोमान लबे तपास्त्रा संकेन्द्र संभ्रम पुलावमाना। महाराज में यमराज के दंड से डरता नहीं हूं, शंकर भगवान के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, नारायण के चित्र से भी नहीं डरता हूं मैं, और भी किसी से नहीं डरता हूं। एक डरता हूं तो इससे डरता हूं कि किसी ब्राह्मण का मेरे द्वारा अपमान नहीं हो जाए, इसलिए डरता हूं। हे महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपके ऊपर बैठ करके यात्रा की, मेरे कहारों ने मुझे पहले नहीं बताया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। भरत जी कहते हैं, भाई हमने तो हमारा तो तूने कोई अपराध नहीं किया, अपराध किया होगा तो शरीर का किया होगा, शरीर हम है नहीं। अब तो राजा को और दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो बड़ा ज्ञानी है, बड़े ज्ञान की बात कर रहा है। राजा ने फिर अपना समर्पण कर दिया, प्रभु मैं कहां जाऊं उपदेश लेने के लिए, आप ही मुझे ज्ञान दीजिए। राजा रघुगुण को अब भरत जी उपदेश कर रहे हैं, बेटा रघुगुण सावधान होकर के सुन, संसार में विचरण करना है, जीतना है तो मन को जीतिए, प्रसन्न चित्त रहिए, परमात्मा को हमेशा अपने सानिध्य समझिए। सबसे निकट दुनिया में अगर हमारे कोई है तो न माता न पिता न भाई न बंधु न पुत्र न जाया कोई है तो वो है भगवान। हमेशा अपने सानिध्य परमात्मा को समझो। मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था, भरत से प्रेम हो गया, मृग से तो मृग बना और आज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। इसलिए राजन मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं, ध्यान देकर के सुन। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। जरा समाहित मन से सुने, अकेला साथ में माल धन भी है, सोना चांदी हीरा गवारात है, फंस गया तो एक पांच सूंड का हाथी उसके पीछे पड़ गया, पांच सूंड वाला हाथी उसके पीछे पड़ गया। हाथी के डर के मारे वो भागा हाथी पीछे पीछे और सेठ जी आ गया। अब सेठ जी ने सोचा काल आ गया,
मर गए। अगर कोई सेवक होता तो बचा लेता, पर मैंने कंजूसी करके कोई सेवक साथ में नहीं रखा। अब ये धन का क्या बनेगा जब मैं मर ही जाऊंगा? तो दौड़ा हाथी पीछे और वो आगे। ए बहुत सड़ा कुआ, पुराने जमाने का कुआ। उस कुएं में के ऊपर जो है, कुएं के ऊपर बोर का पेड़ था। आप जानते हैं बोर के पेड़ में से डारे आती है नीचे। उसने छाल मारी और छाल मार के वो डाली पकड़ ली, और पकड़ करके डाली सोचने लगा अब यहां सूर जाके हाथी की पहुंचेगी नहीं, मैं हाथी से बच जाऊंगा और समय पाकर के ऊपर चढ़ जाऊंगा। एक बार फिर बोल दो बाके बिहारी। सोचने लगा हाथी से तो बच गया, चलो ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने की सोचने लगा तो बड़ी महूक जो होती है ना, मधुमक्खी बड़ी वाली ऊपर बैठी थी। अब सोचने लगा हाय भगवान, ऊपर जाऊंगा तो ये खा जाएगी, ये मार डालेगी, ये नहीं छोड़ेगी। सोचने लगा अब नीचे उतर जाते हैं कुएं में। नीचे उतरने के देखा तो आगे नीचे फन फैलाए सांप बैठा है। अब की राख ले ओ भगवान, हो अनाथ बैठो तुम डरिया पारत साधे बान, ताके डर हो भागो चाहत ऊपर डक्यो सचान, अब की राख ले ओ भगवान। वो वाला हाल हो गया, नीचे जाता है तो सर्प खाता है, ऊपर जाता है तो मधुमक्खियों का छत्ता है, मधुमक्खी खा जाएंगी। बाहर निकलता है तो हाथी तैयार खड़ा है पांच सूंड वाला। अब क्या होता है, सेठ जी वही लटक रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ता में सुराख हो रहा है, सुराख में से एक एक बूंद टपका टपका करके शहद टपकता है। जैसे ही शहद की बूंद टपकती है मुंह खोल देता है ऐ करके, और वो जीव पर लेके उसी को चाट के मौज कर रहा है। होता क्या है, एक लाल सफेद रंग का चूहा, एक काले रंग का चूहा, जिस डाली से वो लटका हुआ है उस डाली को धीरे धीरे वो चूहे काट रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया डाली चूहों ने काट दी और धड़ाम से सेठ जी गिर गए, सांप ने डस लिया और मृत्यु हो गई। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। भरत जी कहने लगे राजा कुछ समझ में आया? ये महाराज मेरी तो समझ में नहीं आया, आप समझा दीजिए। आप किसी की समझ में आया? बोलो वाके बिहारी लाल की जय। तो भरत जी कहते हैं राजा वो सेठ कोई नहीं है, ये जीव है। सेठ कौन है? जीव है। पांच सूंड का हाथी कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमारी पांच इंद्रियां जो हमको तंग कर रही हैं। जो मधुमक्खियों का छत्ता है उससे जो बूंद टपक रही है वो है जिसको हम विषय को भोग रहे हैं, और भोग करके बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ क्या सुंदर खाना खा लिया, क्या सुंदर अच्छा एसी रूम है, क्या सुंदर सुख भोग रहे हैं। लोग पूछते हैं क्या हाल है, बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया, खुश होते हैं। डाली क्या है? हमारी आयु है। नीचे जो सांप बैठा है वो कहां कौन है? महाकाल है। अब आती है चूहों पर बात, चूहा क्या है? दिन काला और सफेद, तो दिन है सफेद चूहा, रात है काला चूहा। काला चूहा और सफेद चूहा दिन और रात से एक दिन हमारी आयु छीन हो जाए, और आखिरकार हम सब काल के गाल में चले जाए। फिर क्या होगा कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्याग्रहे द्वारजं संसारे वो देहचितायां परलोकमार्गे
धर्मान गोदच्छत जीव कह धन है वो तिजोरियों में पड़ा रह जाएगा। सुंदर पत्नी दरवाजे पर रोती बिलकती रह जाएगी। परिवार वाले इतना करेंगे हमें शमशान भूमि में छोड़ आएंगे। जिस शरीर से स्नेह किया वो शरीर जल करके राख हो जाएगा और केवल पुण्य या पाप हमारे साथ जाएंगे। पुण्य किया है तो पुण्य की नाव पर बैठ के चले जाएंगे, अगर पाप किया है तो पापों की गठरी खोपड़ी पर रखी होगी, यमराज के दूतों की मार खा रहे होंगे और नरकों को जा रहे होंगे। हे राजा रघुगुण, यही जिंदगी है हमारी। राजा रघुगुण ने चरणों में सिर नवाया, धन्य है प्रभु, धन्य है। तुम जैसे ज्ञानी जंगल में भ्रमण कर रहे हैं और हम जैसे मूर्ख बैठ करके गद्दी पर राज कर रहे हैं, यही तो विलक्षण बात है। जो सुख संसार की इन तृष्णाओं में नहीं है, जो सुख परमात्मा की भक्ति में है। मन लागो मेरो यार हाँ फकीरी में, मन लागो मेरो यार जो सुख पायो मैंने राम भजन में, हो वो सुख नाए अमीरी में। मन लागो मेरो यार हो फकीरी में, मन लागो मेरो यार। एक राजा जाकर के कुटिया वाले संत के चरणों में गिर के कहता है, महाराज कृपा करो। हा? क्योंकि उस पर कृपा परमात्मा की है, इसीलिए वहां से कृपा मांगता है। उसके पास खजाना है, सोना है, हीरा है, जवाहरात है, सब सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है जो संत के पास में है। एक संत रात को खा पी करके किसी खेत में सो गए और एक राजा एसी रूम मखमल के गद्दे, लेकिन रात भर नींद नहीं आ रही है। राजा झरोके में जाता है और देखता है संत पड़ा है खेत में। सारी रात देखता रहा, बड़ा प्यार से सोया, हाथ का सिराना लगा करके सो गया। बोलिए भाई लाल की। संत सो रहा है, राजा जाग रहा है, सुबह थोड़ी देर नींद आई। उठकर के संत अपने नौकर से कहता है, भैया ये संत जगे तो मेरे पास लेके आना। संत उठे और उठने के बाद संतों ने परमात्मा का स्मरण किया। राजा के नौकर पहुंच गए और कहने लगे, महाराज आपको महाराज ने बुलाया। राजा के पास ले गए, पूछा आपको रात को नींद कैसी आई। संत कहते हैं, कुछ तो तेरी जैसी आई, कुछ तेरे से भी अच्छी आई। एक बार बोले बाबे बिहारी लाल की, बोले भंडारी की। अति सुंदर सेवा निभाते हुए हमारे भोले बाबा कावड़ संघ के वॉलंटियर सभी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस शहर में ऐसे सेवादार हो वो शहर चांद चांद क्यों नहीं लगेगा। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। बांके बिहारी लाल की। संत ने कहा, राजा कुछ तो तुम्हारे जैसी आई, कुछ तुमसे भी अच्छी आई। राजा ने कहा, महाराज मेरे जैसी कैसे और मेरे से भी अच्छी कैसे, कि जब तक मच्छरों ने काटा तब तक तो तेरे जैसी आई, और जब मच्छरों ने देख लिया कि ये तो बेशर्म है पड़ा है, फिर तेरे से भी अच्छी आई। क्योंकि तू सोया तो सपने देखे फलाना राजा ना आक्रमण कर दे, वो ना ये कर दे, और मैंने सपना देखा अपने परमेश्वर का, परमात्मा का, भगवान का सपना देखा। यही तो बात है, यही तो अंतर है भगवान की भक्ति में और एक आम इंसान में।
कभी कभी हम सपना देखते हैं तो क्या देखते हैं, कहीं कथा कर रहे हैं, कहीं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कहीं परमात्मा का नाम ले रहे हैं, यही बातें हमें सपने में दिखाई देते हैं। दूसरे लोगों को सपना कुछ और आता है, सपने सपने का अंतर होता है। तो जो सुख परमात्मा की भक्ति में है वो सुख संसार की वस्तुओं में नहीं है। राजा को परम सुंदर ज्ञान दे करके महाराज भरत जी अपना प्राणायाम करके शरीर का परित्याग करके ईश्वर के धाम में पहुंच गए। भारतवर्ष की धरती पर आप बैठे हो, इसकी चर्चाएं वैकुंठ में भी होती है। क्या चर्चाएं होती है पता है आपको? कि वैकुंठ के देवता कहते हैं, क्या कहते हैं, कि नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पद न साधव हो भागवता तदाश्रया, नयत्र यज्ञेत कथा महोत्सवा सुरेश लोक हो बिनवई सेव्यता। नयत्र वैकुंठ सुधा परापदा, जहां पर गंगा जी नहीं है, धरती पर कुछ वस्तु सार है। इंसान जब भारत भूमि से जाता है तो वहां के देवता पूछते हैं, क्यों भैया भारत से आया है? कि हाँ, तो तूने गीता जी जरूर पढ़ी होगी? कि भैया गीता जी तो नहीं पढ़ी, मेरे पड़ोस में गीता बहनी जरूर रहती थी। कई लोगों को तो गीता के बारे में अभी तक पता भी नहीं है, तो तुमने गंगा स्नान जरूर किया होगा? वो कहता है, नहीं हमने तो कभी नहीं किया। कुछ वस्तु सार हैं धरती पर, कौन कौन से सार हैं? कि एकादशी व्रतम गीता और गंगा मूह तुलसी दलम पादान मरने मुक्ति दान। एक तो एकादशी का व्रत, ठीक है, 27 तारीख को है एकादशी व्रतम गीता, गीता जी का पाठ, गंगा जी का जल, तुलसी का दल और प्रभु का चरणामृत, ये धरती पर सार हैं। जो इनका सदुपयोग करते हैं वो लोग धन्य हैं, और जो इनसे वंचित हैं समझ लो उनसे ज्यादा भाग्यहीन दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए एकादशी का व्रत रखो, गीता जी का पाठ सुनो, गंगा का स्नान करो और तुलसी दल सेवन करो, प्रभु का चरणामृत नित्य लो, इन्हीं में सार है। और धरती पर यही सार है, इसी के लिए देवता लोग वहां पर बड़ाई करते हैं भारत भूमि की, कि वो पुण्य भूमि भारत भूमि धन्य है, जहां पुण्य कमाने का अवसर हर इंसान को प्राप्त होता है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर पावनी कथा श्रवण कराई। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और महाराज विदुर जी श्रवण कर रहे हैं मैत्रेय जी महाराज से। अति पावन ये चरित्र। परमात्मा की कथा सुनने से बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं। इसके लिए जीता जागता एक उदाहरण हम आपको श्रवण कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जयकारा जरूर समय समय पर लगाते रहिए। बोलिए वाते बिहार लाल की जय। एक ऐसा कोई प्रावधान हो, जैसे महाराज रेवत गए ब्रह्मा जी के यहां और सत्संग किया, पल भर के सत्संग का पता नहीं लगा यहां के धरती के, हजारों साल बीत गए, हजारों साल नहीं कई बार त्रेता सतयुग द्वापर बीत गए, लेकिन हमारी ये 3 घंटा जो है बहुत छोटे पड़ जाते हैं। पंडित जी ने लाकर के सामने रख ही दिया कि लो जी टाइम होने वाला है। बोले वाकई बिहारी लाल की जय। कान मुक्त तुझे कशित दासी पति अजामिल नाम नष्ट सदाचारो दासा संगत दूषित। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण देवता थे, कान मुक्त वंश में पैदा हुए,
अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, वैश्या को घर में ले आए। वैश्या के संसर्ग से मन दूषित हो गया, ब्राह्मण के धर्म कर्म को छोड़ दिया, चोरी डकैतियां करने लगे, दुनिया कांपती थी उनके नाम से, अजामिल के नाम से। एक दिन घर में कोई संत महात्मा चले आए। अजामिल ने कह रखा था घर में कोई संत को, महात्मा को, ब्राह्मण को बाड़गा नहीं, प्रवेश नहीं करना। संत चले आए, संत ने पूछा अजामिल पंडित जी का घर यही है? किसी मजाकिया ने बता दिया संतों को कि वो पंडित जी का ही घर है? घरवाली कहती है हाँ घर तो उन्हीं का है। तो बेटी हम 25 मूर्तियां हैं, संत अपने को मूर्तियां कहते हैं, 25 मूर्तियां हैं बेटी हम, आज तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं शाम का। अजामिल की घरवाली कहने लगी माफ करना महाराज जी, मैं तो आपकी सेवा ये नहीं कर सकती। महाराज जी सोचने लगे महात्मा कि शायद मासिक धर्म से होगी इसलिए मना कर दिया हो। महात्मा ने कहा ठीक है बेटी कोई बात नहीं, हम दूसरे काम चले जाएंगे। अब उसके मन में विचार आया जीवन भर कोई अच्छा काम तो किया नहीं, पाप ही पाप किए हैं, पापों के अलावा कुछ नहीं किया। आज स्वयं चलकर के संत हमारे घर में आए हैं तो ये भोजन से विमुख जाएं? पहले जन्म में बुरे कर्म किए तो इस जन्म में भोग रहे हैं, अरे इस जन्म में बुरे कर्म करेंगे तो किस किस जन्म में जाकर के भोगेंगे? इसलिए अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज ठहर जाओ, जाओ मत, मैं ऐसा करती हूँ आपको सूखा दे देती हूँ, आप ये बोर का पेड़ है इसके नीचे बनाओ और खा लो। संतों ने कहा ठीक है बेटी, भोजन दे दिया उन्होंने, बनाया खा लिया। रात को 2-2:30 बजे अजामिल आया, देख करके कहने लगा किससे मिलने आए हो? पत्नी को पता था पहले ही कि ऐसा करेगा, इसलिए पत्नी आई कहने लगी कुछ नहीं किससे नहीं मिलना है, मैंने रोक लिया है, आज आटा दाल दे दिया है, कोई बात नहीं इन्होंने बना के खाली से मेरे चले जाएंगे। पत्नी के कहने पर मान गया, अंदर चला गया। सवेरे होते ही संतों ने सोचा हमने अन्न तो इसका खा लिया लेकिन कल्याण नहीं किया तो खाने का लाभ क्या है? इसलिए संत सोचने लगे इसका कल्याण कैसे हो। सवेरे गए और कहा बेटा अजामिल तुम्हारा अन्न हमने खाया लेकिन तुम दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने गया दक्षिणा? अरे ये क्या कम दक्षिणा है कि तुम्हारा ये सोता कमंडल, तुम्हारी ये लंगोटी, ये चिमटा मैंने छुड़ाया नहीं है, नहीं तो रात को ही छुड़ा लेता मैं, चले जाओ यहां से। आए दक्षिणा वाले, संत कहने लगे बेटा हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारी दक्षिणा तो ये है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। बड़े जोर से हंसा, चले मैं तो समझता संत बड़े ज्ञानी होते होंगे लेकिन तुम तो निरे मूर्ख हैं, मेरी 88 साल की उम्र हो गई अब तक बेटा पैदा नहीं हुआ, अब क्या होगा? घरवाली कहती है अरे हो जाए तो रख लेना जी, झगड़ा काहे का है। घरवाली के कहने पर मान गया, संत आशीर्वाद दे के चले गए। ठीक साल बाद एक बेटा हुआ। घरवाली ने कहा इसका नाम तो नारायण रखोगे ना? अजामिल के लगा नहीं 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 नहीं, पहला बेटा है अपने हिसाब से नाम रखूंगा, कोई और नाम रख लिया। दूसरा हुआ उसका भी कोई और नाम रख लिया, तीसरा हुआ उसका भी कोई और नाम रख लिया। जब चौथा हुआ तो उसकी पत्नी कहने लगी महाराज इस उम्र में कहीं संतान पैदा नहीं होती, ये तो उन संतों की कृपा जो हमें आशीर्वाद दे गए, जिन्होंने 4 दे दिए हमको, तुमने एक भी नाम उनके कहने से नहीं रखा, जो 4 दे सकते हैं वो चारों को वापस भी ले सकते हैं, इसलिए हमारी मानो तो उसका नाम नारायण रख लो। उसका नाम नारायण तो रख लिया लेकिन अजामिल बेटा कहकर के पुकारता है। एक दिन ऐसा आता है कि सभी का अंत समय आता ही आता है, अजामिल का अंत वेला आया।
यमदूत लेने के लिए आ गए, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया। उनको देख करके भयभीत हो पुकारने लगा, ओ बेटा बचा, ओ बेटा बचा, ओ बेटा बचा, कौन सा बेटा बताए। आखिरकार प्राण निकल गए। प्राण छूटने के बाद उसको लेकर के यमदूत चल दिए उधर भगवान के। हाँ, अंत में ये पुकार दिया, अरे नारायण जब आए ना, जब ये यमदूत मुझे ले जाएंगे। इतने पे ही परमात्मा ने अपने पार्षदों को बुलाया, अपना विमान दिया, जाओ मेरे भक्त को लेके आओ, इच्छा पूछ के ले आना, क्या इच्छा है उसकी। परिवार की इच्छा हो परिवार में छोड़ आना, यहाँ की इच्छा हो यहाँ ले आना, जो इच्छा हो। भगवान के पार्षद उधर से, यमदूत उधर से, बहुत वार्तालाप हुए। आखिरकार भगवान के पार्षदों ने उसको छीन लिया, यमदूतों को खूब मारा पीटा। अजामिल से पूछा, वो तो तेरा परिवार है और वो स्वर्ग है, तू परिवार में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। अजामिल कहता है, ना तो परिवार में जाना और ना स्वर्ग में जाना, तो कहां जाएगा। कहने लगे, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, एक बार भूल से भगवान का नाम निकल गया तो मैंने परिणाम देख लिया कि तुमने मुझे यमदूतों से छुड़ा लिया। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे 5 साल का जीवन दे दो, न घर जाऊंगा न स्वर्ग में जाऊंगा, सीधा हरिद्वार जाऊंगा, गंगा के किनारे अन्न पानी त्याग करके 5 साल लगातार भगवान का भजन करूंगा, ताकि मेरा जीवन और भी धन्य हो जाए। बांके बिहारी की जय। तो बोल दो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अजामिल की सदगति हो गई, 5 साल भगवान का भजन करके स्वयं विमान आया, बैठ करके वैकुंठ चला गया। यमराज के दूत रोते रोते यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने पूछा, अरे तुम तो रुलाते रुलाते लाते थे, आज तुम रोते रोते आ रहे हो, उल्टा काम कैसे हो रहे। दूत कहने लगे, भगवान के पार्षदों ने बड़ा मारा, हम अजामिल को लेने गए थे, तुमसे कोई गलती हुई होगी। कि कोई गलती नहीं हुई, उसने अपने बेटे को पुकारा था, बेटे का नाम नारायण था। यमराज ने कहा, मैंने तुमको बोल रखा है पहले ही कि जो कोई इस श्लोक को पढ़ता हुआ मिल जाए या इस श्लोक में एक भी नाम लेता हुआ मिल जाए, उसके घर में मत जाना। अश्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री राम चंद्रम भजे। इस श्लोक को कोई पढ़ता हुआ मिल जाए उसके घर में मत जाओ। तो किसके घर में जाए, जाए किसके घर में। अरे नहीं जाना है उसके घर को छोड़ो, जिसके घर जाना है उसका घर बता दो। तो ध्यान रखना कहीं वो घर आपका ना हो जाए भैया। भगवान माँ के बिहारी लाल की सुन लीजिए, किसके घर में जब दूत जाते हैं। जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम देव, जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम देव, चेतन स्मरण चरणारविंदम कृष्णाय नमो नमति अक्षरापि तानाय यत कृत विष्णु कृत्या। जो मैं तेरे रघुपति गुण गाना, जो मैं तेरे रघुपति गुण गाना, यशोदा दूर भी असमाना, भगवान का नाम नहीं लेता। जिव्यान भक्ति, जिव्या नहीं बोलती, क्या भगवत गुण नाम देयम, पर भगवान की कथा, भगवान के सत्संग, भगवान का कीर्तन जिसकी जीव नहीं लेती है। नैन से जो भगवान उसका दर्शन नहीं करता,
हाथों से भगवान की सेवा नहीं करता, जिसकी खोपड़ी भगवान के चरणों में झुकती नहीं है, जो पाप की कमाई केवल खाता है पुण्य करता नहीं है, ऐसे पापी को मेरे यहाँ ले आया करो। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है ऐसे इंसान के पास में आप लोग मत जाया करो। एक बार बृहस्पति जी देवताओं से नाराज हो गए। उस समय देवताओं ने विश्वरूप को अपना गढ़ गुरु बना करके राक्षसों के साथ युद्ध किया, जीत हो गई। लेकिन उस खुशी में यज्ञ किया, यज्ञ में पुट्ठा काम हो गया, उल्टा काम हो गया, और इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सर काट दिया। फलस्वरूप उनके पिता ने महाराज तुष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर नाम का एक पुत्र पैदा किया। वृत्तासुर के साथ में बड़ा भारी इंद्र का युद्ध हुआ। वृत्तासुर किसी से मारा नहीं जाता था, लेकिन दधीच की हड्डी लेकर के उसकी मृत्यु हुई। और वो वृत्तासुर दूसरे जन्म में, पहले जन्म में चंद्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के श्राप के कारण राक्षस हुआ। ये वृत्तासुर की कथा हमने बड़े सुंदर शॉर्ट रूप में चढ़ाई है। आगे चलते हैं, बहुत सुंदर इतिहास आपको श्रवण कराते हैं। भक्त पहला वाके बिहारी लाल की जय। तो मैंने पहले दिन के कथा में बताया था हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पूर्व जय विजय श्राप के कारण धरती पर राक्षस बने। उनके जन्म की कथा भी आपको सुनाई, कैसे उनका जन्म हुआ। भगवान ने शूकर रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब हिरण्याकश्यप रह गया। हिरण्याकश्यप ने बड़ी भारी तपस्या की और तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा, परमात्मा हम किसी के हाथ से मरे नहीं। भगवान ने आशीर्वाद तो दे दिया, किसी तरह से ना मरे, बाहर ना मरे, अंदर ना मरे, ऊपर ना मरे, नीचे ना मरे, अस्त्र से ना मरे, शस्त्र से ना मरे, किसी प्रकार से हमारा वध ना हो, ऐसा आशीर्वाद मांगा। भगवान ने दे दिया और ये भी कहा कि 12 साल, साल के जो 12 महीने होते हैं उनमें भी हमारी मृत्यु ना हो। अब निर्भय हो गए, निर्भय होकर के दुराचार करने लगे। थोड़ी देर में ही हम ये पहला चरित्र आपको श्रवण कराते हैं। प्रहलाद जी महाराज उनके पुत्र हुए छोटे। प्रहलाद जी बड़े संस्कारी हैं। प्रहलाद जी अभी बहुत छोटी अवस्था में, एक दिन प्रहलाद जी आ रहे थे, कुछ बच्चे साथ में थे। हिरण्याकश्यप का ये फरमान था, हुक्म था, कोई भी किसी घर में भगवान की कथा नहीं होगी, कीर्तन नहीं होगा। जिस घर में हुआ उस घर को तहस नहस कर दिया जाएगा, लोगों को मरवा दिया जाएगा। आखिरकार एक दिन प्रहलाद जी ने देखा एक घर से कीर्तन की आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 भजमन भगवान नारायण का नाम बोले बिना कोई भी जिभ्या रसना वंचित नहीं रहेगा इस पांडाल में, ध्यान रखना। और जो नहीं बोलेगा उसको मेरी सौगंध है, देख लो कोई घरवाली भी है, बच्चे भी हैं मेरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
माता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 सीता नारायण 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 श्रीमता दरवाजा खोलिए कीर्तन कर रहे हो तुमको मेरे पिता का भय नहीं है मेरे पिता की आज्ञा तुमने परिपालन नहीं की कीर्तन कर रहे हो कायका कीर्तन कर रहे हो अंदर से कुमारी आई राजकुमार भगवान का कीर्तन कर रहे हैं आ जाओ आप भी कर लो ओ श्री मन नारायण 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 लगा रखी है क्या बात है अरे राजकुमार बिल्ली के बच्चे हवे में दौड़ गए हैं धू धू करके आग जल रही है और मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमात्मा से कि ये बच्चे बच जाए कुमारी पागल हो गई है इस अग्नि में बच्चे कैसे बचेंगे बच सकते हैं प्रभु ओ डारे दियो गजऊ को घंटारे डारे दियो गजऊ को घंटा महाभारत के बीच बचाए तुम्हें भाई के अंदा आज तने कहा लगाए लई दे आज तने कहा करी जा रही है सुबह मेरे सामने खोलना है सब आपको जब बच्चे जब बच गए तो मैं भी भगवान का दास और बच्चे नहीं बचे तो तेरा समझ ले सत्या नाश ठीक है राजकुमार मुझे स्वीकार है राजकुमार चले गए
अब तो रात में प्रार्थना कर रही है कुम्हारी, क्या कह रही है? सभी गाओ हाथों से ताली। ओ श्री नारायण नारायण सारी रात बीत गई। प्रहलाद जी को भी रात में नींद नहीं आई। सवेरे होते ही प्रधानी कुम्हारी ने कुम्हारी का दरवाजा कटकटाया। कुम्हारी ने दरवाजा खोला, राजकुमार आइए आपके सामने ही हवा खोलूंगी। देखो महाराज इससे थोड़ा नीचे, इससे भी थोड़ा नीचे, हे महाराज इस गड़े से भी थोड़ा नीचे। अरे पागल कुम्हारी, सारे गड़े लाभ हो गए पक करके, इसमें बच्चे कहां बचेंगे? महाराज थोड़ा सा कीर्तन करो, जरूर बचेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण जैसे ही वो बड़ा उठाया, बच्चे म्याऊ म्याऊ करके भाग गए। कुम्हारी के चरणों में प्रहलाद जी गिर पड़े। आज शत्रु एक माता कयाधु जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी माता तू जिसने मुझे भगवान के बोध कराया, ईश्वर का बोध कराया। अब तो मैं भी प्राण से गाऊंगा, सारा फरीदकोट गाएगा और आवाज वृंदावन तक जाएगी। सुबह भगवान ने भी आना है तो गाइए। ओ हो श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इरा कश्यप ने सोचा मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो विद्यालय में लगा दूं, तो विद्यालय भेज दिया। शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, एक का नाम है संड और एक का नाम है अमर। संडामर के सुपुर्द कर दिया, गुरुजी मेरे बेटे को पढ़ाओ। महीना दो महीना पढ़ा, छुट्टी पर बच्चा घर आया तो गोद में बिठा लिया हिरण्यकश्यप ने और पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा है? तो बेटा कहता है, पिताजी मैंने क्या पढ़ाया बताऊं? क्या बताओ? कि प्रथम भगत संतनी प्रथम भगत स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दशम सत्यं आत्मनिवेदनं। मैंने नौ प्रकार की भक्ति सुनी है, नौ प्रकार की भक्ति पढ़ी है। अरे ये मेरा रोटी खा करके, मेरा अन्न खा करके मेरे गुरु पुत्र मेरे पुत्र को ये पढ़ा रहे हैं, बुलाया उनको, ये क्या बोल रहा है? राजन गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। ले गए विद्यालय में पढ़ाया, ऐसा मत कर बेटा,
भगवान के, भगवान तो तेरे पिता के दुश्मन हैं, उनका नाम आप लेते हो। अरे पिता गुरु जी कैसी शिक्षा दे रहे हो, भगवान किसी के वैरी नहीं होते, वो सबके सुहृदय होते हैं, वो किसी के दुश्मन नहीं होते। नहीं नहीं बेटा, ये नाम तुमने नहीं लेना, मारेंगे नहीं तो हम, धमकाया बहुत। एक दिन गुरु जी के दोनों पुत्र कहीं भोजन करने चले गए, विद्यालय सूना मिल गया, सारे जो है दैत्य बालकों को बिठा करके शिक्षा दे रहे हैं। दैत्य बालकों ने पूछा, ए भैया पहला तेरे को ये ज्ञान कहां से आया, हमारे सामने तू पैदा हुआ, तेरे घर में ये संस्कार नहीं, फिर तूने ये ज्ञान कहां से प्राप्त कर लिया, हमको ये तो बता पहले। पहला जी कहते हैं, जब मेरी माता मेरे पिताजी गए थे वन में तप करने के लिए, मेरी माता कयादु घर में अकेली थी, तब जो है इंद्र ने आक्रमण किया, मेरी राज माता को बंदी बना लिया और गाय की तरह वो चीख रही थी मेरी माँ। उस समय नारद जी आए, नारद जी ने कहा, हे इंद्र क्या कर रहे हो। इंद्र ने कहा, मैं इसका वध करूंगा। अरे स्त्री का वध करोगे, वो भी ये गर्भवती है कि इसके गर्भ से एक और हिरण्यकश्यप पैदा होगा, इसलिए मैं इसको मार देना ही उचित समझता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू इसको हमको दे दे, हम इसको भगवान का भक्त बना देंगे। तो मेरी माता जब तक मेरे पिता तप करके लौट के नहीं आए, तब तक नारद जी की कुटिया में रहे, और वहां जो नारद जी ने ज्ञान दिया उसी से मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। दैत्य वालों को विश्वास हो गया, अब तो हम भी तेरे साथ में भगवान का ही गुणगान करेंगे। श्रीमन क्या मैंने सौगंध बुलाई है, देख लो अपनी। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। भोजन करके गुरु जी आ गए, गुरु जी ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, इसने तो सभी विद्यार्थियों को ही बिगाड़ दिया, पकड़ के खींचने लगे, भगवान के नाम का करंट लगा, करंट लगते ही संडा मर्ग दोनों ही वो भी प्रहलाद के साथ में ही नाचने और गाने लग गए। क्या कह रहे थे, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन सोचा इतने दिन से मेरा बेटा विद्यालय में गया है, अब तो बहुत सुधर गया होगा, जाके देखता हूँ। तो वहां गए तो देखा तो कीर्तन हो रहा है, गुरुजी भी नाच रहे हैं, गुरुजी भी गा रहे हैं, विद्यार्थी भी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, ओ श्री नारायण 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 से तलवार दे करके मारी। क्या करोगे, पकड़ करके घर ले आया, समझाया, लेकिन समझ में नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी बड़ा अच्छा नाम है हरि का, हरि हरे पापानी, हरि क्या करते हैं, पापों को हर लेते हैं। दुनिया के बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, कोई तुम्हारा पाप लेने को तैयार नहीं है। एक पति जरूर है, वो आधा लेता है पर संपूर्ण नहीं लेता, इसलिए पति को परमेश्वर कहते हैं। देवियों समझ रही हो ना, पति को परमेश्वर क्यों कहते हैं, आधा पाप लेते हैं इसलिए, लेकिन भगवान तो सारा का सारा ही ले लेते हैं, एक जन्म का नहीं सारे जन्म का ही ले लेते हैं। इसलिए हरि हरे पापानी, प्रहलाद जी कहते हैं, अरे पिताजी हरि का नाम तो पापों को हरता है, तुम भी जप लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खबरदार मेरे दुश्मन का तूने नाम लिया, हे पिताजी वो किसी का दुश्मन नहीं, सबका सुहृदय है, तुझे मरने का डर नहीं, कि मरना जीना सब उसी के हाथ में है, छह चीजें उसके हाथ में है,
सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहे ओ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश यश जस विधात श्रीमन नारायण 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 ओ भगवन नारायण नारायण नारायण। बड़ी चिंता हो गई हेणा कश्यप को। इतने में ही होलिका भुआ आ गई। कौन आ गई? होलिका भुआ। होलिका भुआ कहती है क्या हो गया भैया? अरे ये तेरा भतीजा बिगड़ गया। अरे मुझे दे, मैं इसको गोदी में लेकर के आग लगा लेती हूँ। भगवान ब्रह्मा ने मुझे एक ऐसी चादर दी है, इसके लपेट के मैं बैठूं, मेरे को कुछ नहीं बिगड़ेगा, सामने वाला जल जाएगा। आग लगाई, होली बैठ गई, बहुत सारा ईंधन लगा के परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, चादर तो लिपट गई प्रहलाद जी से और होली धू धू करके जल गई। बोलो होलिका मैया की। तो 27 तारीख को जो आएंगे वो ही होली का आनंद लेंगे, ये ध्यान रखना। अब और चिंता बढ़ गई हिरण्यकश्यप की, बहन को भी जला दिया, ले जाओ पहाड़ से गिरा दो। पहाड़ से गिराया लेकिन फिर भी कीर्तन करता हुआ आ गया। हाथी से कुचलवाया फिर भी नहीं मरा, सांप से डसवाया फिर नहीं मरा। अब तो और बड़े विश्वास हो गया प्रहलाद को कि इतने इतने कालों के काल से भगवान ने बचा लिया तो प्रभु के नाम में तो अरे धन्य है कुमारी मैया, तूने मुझे बड़ा सुंदर मंत्र दिया। आहा हा, खुश हो रहे हैं, गा रहे हैं। और वो बेचारा सोच रहा है क्या करूं। खंबा एक गर्म कराया लोहे का। अब प्रहलाद से पूछता है हिरण्यकश्यप नंगी तलवार लेके, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहता है बोल मेरा भगवान कहाँ नहीं है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तक है, जल में है थल में है पहाड़ पर है जहां से तूने गिराया। भगवान सर्वत्र है कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं ऐसी जगह बता दे जहां भगवान नहीं है। इस गर्म खंभे में है, पहला सहम गए मेरे भगवान तो जल जाएंगे, खम्मा में लपट निकल रही है। भगवान ने कहा मेरे भक्त का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, चींटी बन करके रेंगने लगे। भगवान चेटी बन के रेंगने लगे। प्रहलाद ने दड़ होकर के कहा हाँ पिताजी, भगवान इस खंभे में भी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, तेरे इस खड़ग में भी है। अच्छा तो मैं देखता हूं तेरा भगवान कैसे बचाता है। ऐसे कह करके जैसे खड़ग मार हुआ, खंभ फाड़ भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। एक सेकंड मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। सूर अनेक फिरे कनवागत, पै पै सूर से स्वाद कहा, राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। डब ढोल बजात मजीरा फिरे पर मीरा जैसी मतवाल कहा। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को पहलाद कहा।